اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا حجاب <سؤال> پہنو <سؤال> اے میری حجاب پہنو اے میری के हुक में रब को बजा है लाना हुदा से मिलना है हशर के दिन हुदा से मिलना है हशर के दिन नबी को उस दिन है मुदिखाना हुसन तुम्हारा हिजाब में है बगर ना जीवन अजाब में है हुसन, हुसन तुम्हारा हिजाब में है बगर ना जीवन अजाब में है कबर अंधेरी सी कोठड़ी है कबर अंधे किसी को है सजा जजा का है वो ठिकाना हिजाब पहनो ए मेरी बहनों हिजाब पहनो ए मेरी बहनों केहुक में रब को बजा है लाना दा से मिलना है हशर के दिन खुदा से मिलना है हशर के दिन नबी को उस दिन है मुंह दिखाना ये में रब का दिया हुआ है तुम्हारी ये रब का दिया हुआ है तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी मिलेगा ये खाक में किसी दिन मिलेगा ये खाक में किसी दिन ओरसे अत कोह लोहना हि जाह पहनो अमे बहनो हि जाह पहनो अमे बहनो केहो मेरवो बजाहलाहना से मिलना है हशर के दिन खुदा से मिलना है हशर के दिन नबी को उस दिन है भूदी खाना तुम रे रब को बुला रही हो छुपाना है जो तुम कह रहे रब को बुला रही हो चोपाना है जो दिखा रही हो अजा रब को न दो ते दो रब को ना दावते दो न दो।, दो बरस ले का एक बहाना हिजाब पहनो ए मेरी बहनों हिजाब पहनो ए मेरी बहनों के हक में रब को बजा है लाना से मिलना है हशर के दिन से मिलना है हशर के दिन नबी को उस दिन है वो दिखाना खबर नहीं क्या है पर्दा केफाती माँ ने किया है पर्दा खबर नहीं तुमको क्या है पर्दा केफाती मह ने किया है पर्दा खुदा का बागी है वो हमेशा खुदा का बागी है वो हमेशा के जैसे ने कीर जाना हिजाब पहनो ए मेरी बहनों हिजाब पहनो ए मेरी बहनों के में रब को बजा है लाना खुदा से मिलना है हशर के दिन खुदा से मिलना है हशर के दिन नबी को उस दिन है मोदी दिखाना तुम ही से है घरों की होमेज बात तुम ही जन्नतों की तुम ही से है रोन के घरों की होमेज बात तुम ही जन्नतों की उदारा अपनी कदर को समझो खुदारा अपनी कदर को समझो किसी की बातों में ना तुम हिजाब पहनो ए मेरी बहनों हिजाब पहनो ए मेरी बहनों के हुक्मे रब को बजा है लाना खुदा से मिलना है हशर के दिन से मिलना है हशर के दिन नबी को उस दिन है मोदी दिखाना जो चौकी चो चोरा हो पे खड़े हैं रसाई तुम, चो रसाई तुम तक वो चाहते हैं जो चो चोरा हो पे खड़े रसाई तुम तक वो चाहते हैं साहिर हदफ उनका ओर और ही है साहिर हदफ उन का ओर ही है हकू के जन तो है बस बहाना हिजाब पहनो ए मेरी बहनों हिजाब पहनो ए मेरी बहनों के हक रब को बजा है लाना हुदा से मिलना है खशर के दिन हुदा से मिलना है खशर के दिन नबी को उस दिन हैमोदी खाना नबी को उस दिन हैमोदी खाना नबी को उस दिन हैम खाना बसमिल्ला वहमदिल्ला वसलाम रसूल الحمد لله आज छब्बीस अप्रैल दो हजार बीस की इल्मीकी मजलिस नंबर वन थर्टीन की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है इन शे बिलाल भाई मुझसे वन टू वन साल का सिलसिला शुरू करेंगे जी जनाब محمد मसल महमद महमद अली भाई आज का पहला सवाल है आज कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल है जिसमें एक देवबंदी मुफ्ती आज़म अमरीका मोहतरम मुनीर अहमद साहब ने मुसद अहमद की एक हदीस की इंटरप्रटेशन करके साबित किया है कि नबी अलैहि वसम ने फ़रमाया कि जब सुरैया सितारा तलु होता है तो ज़मीन से आफत उठा ली जाती है और यह सितारा सुरैया बारह मई दो हज़ार बीस को तलू होगा लिहाजा करोना की वबा भी बारह मई दो हज़ार बीस तक ख़त्म हो जाएगी अगर वाकई ही ऐसी कोई हदीस है तो कन्फर्म कर दें ताकि हम नॉन मुस्लिम्स तक ये पैगाम पहुँचा कर उन पर इस्लाम की हक्कानियत साबित कर सकें शुक्रिया माँसम वालेकाम वा करे जी आप लोगों को अंग्रेज़ी आए या गोरों को उर्दू आए कि उन तक ये आप लोगों की इस तरह की वीडियोस पहुँचे हैं जिसमें आप लोगों ने इस किस्म के गैर इल्मी दावे किए हुए हैं और अदीस के मुँह में अपना लुकमा डाला हुआ है मेरे भाइयों ये बिल्कुल गलत इंटरपटेशन इन्होंने की है इस हदीस का दूर दूर तक कोई इस किस्म के वबाई अमराज के साथ कुछ लेना देना नहीं है इस्लाम सिर्फ दो ूम को मानता है या रिवील्ड नॉलेज हो किताब सुन्नत का इल्म या एक्वायर्ड नॉलेज द नॉलेज ओबेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स यानी साइंस का इलम के सिवा किसी तीसरे इल्म को इस्लाम नहीं मानता एथेंटिसिटी के तौर पर कुरान हकीम में अल्लाह तबारक वाली ने सूर बनी सराइल की आयत नंबर थर्टी सिक्स में फरमाया वा तक इल इन बसरा वल फुआ दुल्लू का इंसान किसी चीज़ की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना हासिल हो जाए बेशक कान आंख और अकल दिल या दिमाग कोई भी चीज़ हो इसके बारे में तुम्हें पूछा जाएगा कि तुमने इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके हक बात तक पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं की ये इस तरह की तमाम चीज़ें तोहमात हैं और इस्लाम बिल्कुल तोहमात के अगेंस्ट है काली बिल्ली रास्ता काट जाए ये नहुसत की निशानी है तो हम परस्ती है शीशे का टूटना जो है वो बुरी ख़बर का पेश खैमा है कौवा अगर घर के मुडेर पे बैठा हो तो मेहमानों के आने की उम्मीद है जूती पे जूती चढ़ जाए तो कहीं पर सफ़र लिखा हुआ है ये सब की सब चीज़ें हिं। हिंदुओं के ज़ेर असर मुसलमानों के यहाँ आई हैं इस्लाम में इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है ना इसे रिवील्ड नॉलेज सपोर्ट करता है यानी वही का इलम सुन्नत का इलम और ना ही एक्वायर्ड नॉलेज सपोर्ट करता है अब रहा ये जो जो बंदी मौलाना है जिनको जोबंदी मुफ्ती आजम अमेरिका भी कहते हैं उनकी ये वीडियो बदकिसमती के साथ मैंने भी देख ली क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी लोग भेज रहे थे कि जी देखें इस तरह की कोई हदीस है मुसनद आमद में तो जब हमने मुसनद अहमद खोली तो इस वक्त जो आपके पास पी डी एफ फोटीन जल्दों में अवेलेबल है या मकबत शामला के अंदर उसके अंदर इस हदीस का नंबर है फाइव वन ज़ीरो फाइव इंटरनेशनल अमरीके मुताबिक मेरी ख्वाहिश है कि ये हदीस ना आप किसी भी ऐसे मुसलमान या गैर मुस्लिम के सामने जिसको सिर्फ उर्दू पढ़नी आती हो चाहे वो पाँचवीं क्लास का स्टूडेंट हो उसको कहें कि बेटा ज़रा ये हदीस पढ़ो और इसमें से बताओ ये मतलब निकलता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कुछ लेना देना नहीं है उस मामले के साथ हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि सैदना अब्दुल्ला बिन सराका रदील्ल्ला तरह कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रदील्ला तुम्हारा से पूछा अल्लाह के नबी सलम के हवाले से कि जो फलों की तजारत है इसके बारे में आपके पास कोई हदीस है तो बयान करें तो अब्दुल्ला बिन उमर रदील्ल तु ने फरमाया कि हमें नबी वसल्लम ने आहा के खत्म होने से पहले फलों की तिजारत करने से मना फरमाया तो उन्होंने पूछा ये आ हा क्या है आईन अलिफ और हा और फिर आगे हा तो अब्दुल्ला बिन उमर रजील्लामा ने फरमाया कि जब सुरैया सतारा तलू होता है ये उस वक्त की निशानी है कि वो आहा का या आफत का पीरियड चला जाता है वो आफत किस पे आती है फलों के ऊपर यानी उनको कीड़ा लग जाना उनका खराब होना या फल फलों के पकने का पीरियड जो है जो कंप्लीट होता है वो उस पीरियड के गुजरने के बाद होता है और उसकी निशानी अरब के लोगों ने रखी हुई थी कि सुरैया सितारा जब तुलू होता है और आज की डेट के अतबार से यानी गर्मियों का मौसम जब शुरू होता है बारह मई आलमोस्ट तो उस वक्त तक जिस फल को कीड़ा लगना होता था उस पर आफत आनी होती थी वो आ चुकी होती थी और जिसने पक कर तैयार होना होता था वो तैयार हो चुका होता था तो सुरैया सतारे का कोई आफत के साथ लेना देना नहीं था बल्कि एक टाइम पीरियड को डिफाइन किया गया जैसा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मानसून हमें पता है सावन का महीना है जुलाई अगस्त के अंदर आता है इसका कोई इसके साथ तो ताल्लुक़ ही नहीं है कि आफात का महीना है ये वो तो आनी होती है हर दफ़ा एक नेचुरल प्रोसेस है तो ये इस चीज़ का ज़िक्र था ना कि उसका किसी वबाई मरस के साथ या किसी कोरोना की आफत के साथ रिलेटेड थी ये चीज़ ये बिल्कुल उन्होंने गलत इंटरप्रटेशन की है हमारे यहाँ पंजाब के कल्चर के अंदर भी अमून पंद्रह अप्रैल के बाद जो है वो गंदम की कटाई का मौसम शुरू हो जाता है अगर आपसे कोई पूछे कि जी गंदम की कटाई कब होगी तो आप कहेंगे पंद्रह अप्रैल तो अब्दुल्ला बिन उमर से उन्होंने पूछा कि बताइए कि फलों के बेचने का पीरियड कौन सा है कि जिससे पहले आप फल नहीं बेच सकते तो उन्होंने कहा सुरैया सतारा जब नज़र आएगा ना उसके बाद आप फलों को बेच सकते हैं और इसकी डिटेल पूरी सही मुस्लिम है तो मुस्लिद अहमद में तो बड़ी दूर चले गई ये दीस मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है अब्दुल्ला बिन उमर से चूँकि इन्होंने दरस नजामी के कोर्स में बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ी होती हैं ये तो सुल बरकत के लिए होती है ये मेरा मकसद कोई टॉन्ट करना नहीं है सिर्फ इनके फॉलोअर्स को जगाना है कि जिन लोगों पर आपने रिलाई किया हुआ है ना वो लोग इल्म हदीस से कितनी वाकफियत रखते हैं आपके हाथ में तो इस्लाम थ्री सिक्सटी मौजूद है ना तो सही मुस्लिम का मैं आपको इंटरनेशनल नंबर बता देता हूँ वो आपको आसानी से मिल जाएगा सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक थ्री एट सिक्स फोर नंबर हदीस है और इस हदीस के ऊपर भी बाप मौजूद है कई एक तुर्क इसके इमाम मुस्लिम ले आए हैं कि जो फलों की तजारत है वो फलों को कीड़ा लगने उन पर आफत आने के पीरियड जो है ना उससे पहले आप फलों की तजारत नहीं कर सकते उसके बाद कर सकते हैं इसी तरीके से यह हदीस सही बुखारी में भी मौजूद है सही बुखारी में इसका नंबर है इंटरनेशनल टू वन नाइन थ्री इस पर इमाम बुखारी ने बा बांधा है कि जो वबा का पीरियड है वो वबा जो फलों के ऊपर आती है कोरोना नहीं सर फलों वाली वबा उस पीरियड के ख़त्म होने से पहले पहले फलों की तिजारत करना मना है और उसके नीचे इमाम बुखारी हदीस लेके आए हैं एक और सिहाबी थे सईदना जैद इबन साबित से और हदील्ल्ला त वो कहते हैं सई बुखारी के अल्फाज हैं टू वन नाइन थ्री कि नबीलाम के मुबारक ज़माने के अंदर लोग दरख्तों पर लगे हुए फलों का सौदा किया करते थे जब खरीदार आता था तो वह रोना पीटना डाल देता था कि जनाब तुमने मेरे साथ ये खजूर का सौदा किया ये तो खजूर को कीड़ा लग गया खजूर जो है वो डैमेज हुई हुई है तो वो हर दफा झगड़ा होता था तो नबीलाम ने फरमाया जब तक तुम्हारे दरख्त जो हैं ये फल पक ना जाए उस वक्त तक तुम इनके साथ सौदा ना करो और आप्लाम फरमाया इसकी निशानी यह है कि सरैया सितारे का तलु होना यानी वह गर्मियों का पीरियड शुरू होना तो वह गर्मियों का पीरियड जो है वह टाइम पीरियड के तौर पर बताया गया यह कोई निशानी नहीं है ना इस्लाम के मिजाज में कोई सतारा प्रस्ती याजूम वाला कोई सिलसिला मौजूद है कि इसके साथ उसको रिलेट कर दिया जाए यह सर बुखारी और मुस्लिम में भी हदीस मौजूद थी मैंने उसकी इंटरप्रटेशन आपको बता दी अच्छा अब यह सुरैया सतारा तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में वैसी मुसीबत बना हुआ है हमारे लिए इस एतबार से कि यहां पर जो ज्यादातर लोग आबाद हैं वो या हनफी बरेलवी हैं या हनफी द्योबंदी हैं और वो हमें अक्सर कहते हैं कि जी बुखारी मुस्लिम में इमामीफा का जिक्र मौजूद है बल्कि जो ज्यादा समझदार बनता है वो कहता है कुरान में लिखा हुआ है अच्छा हम कहते हैं जी कुरान में कहाँ लिखा है वो कहते हैं जी सूरत जुमुआ की एक आयत है जी अच्छा जी वो हम खोल के पढ़ लेते हैं जी सूरत की कौन सी आयत है और मजे की बात है ये सेम दलील गुलाम अहमद का दयानी के मानने वाले यही आयत और यही हदीस उस दाल के ऊपर फिट करते हैं जिस तरह के हनफी माउनिफा पर फिट करते हैं तआला वो कहते हैं ये जो आयत है ना वदी बामिन किताबुल वम कान उब्रफी मुबीन यानी वही अल्लाह है जिसने उम्मीदन में रसूल को भेजा जो उन पर अल्लाह की आयात तलावत करते हैं उनका तजकिया करते हैं उन्हें किताबत की तालीम सिखाते हैं और इससे पहले ये खुली गुमराही में थे वह आ खरीना मिन लम्मा हम लम्मा यहा और अभी और लोग हैं जो इनको आके मिलेंगे यानी ताबईन सहाबा कराम के बाद जो लोग ईमान लेकर आएंगे जो उनका जमाना पाएंगे हकीम और वही गालिब है हकमत वाला है तो ये जो अल्फाज है ना वह आ खरीना मिन लम्मा हम लम्मा यल हकू बिहीम इसी कॉन्टेक्सट में बुखारी मुसरम अदीस है नबी सलाम से साहबा ने पूछा ये कौन लोग हैं जो बाद में आएंगे तो आप के पास बैठे हुए थे सईदान सलमान फारसी एक लफ्ज है सुलेमान वो पैगम्बर का नाम है सईदाना सुलेमान बिन दाऊद अलम सलाम यह लफ्ज़ है सलमान पेश नहीं जबर के साथ है और या इसमें कोई नहीं सलमान तो सैदना सलमान फारसी जो पहले आतिशप्रस्त थे उसके बाद यहूदी हुए फिर ईसाई हुए अल्टीमेटली नबी इस्लाम के मुबारक कदमों में पहुँच के, के मुसलमान हुए तो इस्लाम फारस के लोगों का ईरान के लोगों का रिगार्ड करते थे और ज़ाहिर है कि ये लोग तो हमेशा से ही एक समझ लें पूरी दुनिया के अंदर फलासफर माने जाते हैं यूनान के लोग इंडिया के लोग इंडिया से मुराद ये पूरा रीजन और तीसरा ईरान के लोग हमेशा से तो नबी अस््लाम ने ना उनके कंधे पर हाथ रखा बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं आपने फरमाया दीन अगर सुरैया सारे की चोटी पर होता आ एगे यानी आपने एक मिसाल बयान की कि इतनी दूर भी होता ना तो फारस के कुछ लोग आके उसे हासिल कर लेते तो पहली बिशारत सल्मा ने फारसी के लिए थी कि इतनी दूर से यहां तक पहुंचे इतने रिलीजन बदल के और दूसरा उनके इलाके के लोगों की तारीफ की कि वो ऐसे कमिटेड लोग हैं और ऐसे जीनीस लोग हैं आप बेशक ईरान वालों को जो मर्ज़ी के नबी इस्लाम ने ईरान वालों की ये तारीफ बयान की है तो फारस के लोग उस वक्त पर्शियन अम्पायर थी ना फ़ारस कहा जाता था तो ये हासिल कर लें तो अब उन्होंने कहा नबीस्म फर मैं ना इसके इलाके के लोग और ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं इसके इलाके का एक बंदा वो तो लोगों की एक पूरी कम्यूनिटी की बात हो रही है और दूसरा ये जो हदीस है इसमें किसी बंदे का नाम आया क्या फारस में सिर्फ यही शख्सियत है अब ये लादा एक बहस है कि इमाम मनीफा रहीम तेसिकली पीछे से जो है वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं इनके वालिद या दादा जो है वो कोफा शिफ्ट हुए थे ये यानी फारसी नस्ल नहीं है लिहाजा इनके ऊपर तो ये फिट भी नहीं होती उस तरीके से चले अगर कोई खेच के करना चाहता है जो प्योरली फारसी नस्ल लोग हैं ये इमाम अबुल हसैन मुस्लिम बिन हजाजल कोशेरी निशापुरी निशापुर आज भी ईरान का शहर है आप गूगल मारे जरा आपको पता चल जाएगा गूगल हाफ शेख गूगल वो आपको बता देगा निशापुर आज भी मौजूद है इमाम मुस्लिम वहां से हैं इमाम हाकिम जिन्होंने बुखारी मुस्लिम पे अल अलमस्त हाकिम लिखी है छूटी भी हदीसें जमा की है उसी शर्फ के ऊपर वो निशापुर के रहने वाले हैं इमाम बुखारी आखिरी वक्त में निशापुर चले गए थे वो तो फिर वहां पे खलके कुरान वाला एक मसला हुआ जो मैंने पिछली दफा आपको बताया था उनको निकलना पड़ा तो वो गढ़ था इल्म का दिशापुर ईरान तो ये तो इमाम मुस्लिम के ऊपर बदर्जाउल्ला फिट होती है और दूसरी तरफ यहां पे जो कादियानी दजाल के मानने वाले हैं वो कहते हैं उलामत कादियानी पे बल्कि मुझे सही तरह याद है आज से तकरीबन दस बारह साल पहले कुछ कादानी नौजवान यहाँ आए उन्होंने कहा जी वो बुखारी में जो है वो हमारे हजरत जी का जिक्र मौजूद है मैंने कहा जी बुखारी ये पढ़ लें इसमें कहाँ लिखा हुआ है ये तो एक जनरल हदीस है इसमें कहाँ से ये आ गया ये तो किसी पर भी फिट कर देंगे आप पकड़ के तो इस तरीके से तो नहीं होता जिस तरह हनफियों को बताया गया कि माँ मुनीफा का जिक्र बुखारी मुस्लिम में कादियानियों को बताया गया है कि गुलाम कादियानी जाल का जिक्र मौजूद है हालांकि कोई लेना देना नहीं तो वहाँ पर भी सुरैया सितारे का जिक्र आता है तो वो तो नबीर इस्लाम ने उनकी तारीफ़ की थी कि इतनी कमिटमेंट वाले हैं कि इतनी दूर से होते हुए हाक की तलाश में यहाँ पहुँच के और सर जान के मान पाए तो हम भी अर्ज़ करें हमें लोग कहते हैं ना जी ये भ्रिलवियों के घर पैदा हुआ फिर ये देवबंदियों के साथ अटैच हो गया फिर अलेदीस के साथ अब ये कहता है मैं किसी फ़िरके से नहीं हूँ और मैं खाली मुसलमान हूँ सर पूरी बात तय करें मैं इसके बाद ये कहता हूँ कि मैं इन सारे फ़िरकों को मुसलमान भी समझता हूँ ये भी आगे बोला करें और इनके पीछे नमाजें भी पढ़ता हूँ मैंने अपनी मस्जिद चंदा बुक मदरसा अलग से नहीं बनाया कोई फ़िरका लॉन्च नहीं किया तो कहते हैं ये अनकरीब पता नहीं क्या हो जाएगा तो जनाब हजरत सलमान फारसी को भी लोग कहते होंगे कि तुम पहले जो है वो आतिश आतिशप्रस्त थे फिर यहूदी हुए फिर ईसाई हुए अब मुसलमान हुए पता नहीं क्या हो जाओगे तो कुछ भी नहीं हुए जो ऐसे हो ही रहे मुसलमान मरे ने इनशाला हम भी मुस्लिम ही मरेंगे इन शम तुम ना वन तुम मुस्लिम ठीक हो गया हुआ लेकिन इनको मेरा खाली बात उसी वक्त समझ आनी है जब किसी पत्थर में से आवाज आई ना अयूह हल मुस्लिम जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है ना कि जब दज्जाल के साथ जंग हो रही होगी मुसलमानों की तो सिर्फ एक दरख्त है गरकत जो पनाह देगा यहूदियों को वरना अगर किसी पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा हुआ ना तो वो पत्थर भी बोलेगा अल मुस्लिम ए मुस्लिम मेरे पीछे यहूदी ऐसे कत्ल करते यानी ये आम यहूदी को नहीं यानी जंग के दौरान की बात हो रही है तो इनके दुखित फिरका होना चाहिए इनको आवाज आई ना मुस्लिम की तो उन्हें कह रहे हैं इंजीनियर साहब की वीडियो पीछे चल पाई है ठीक है ना क्योंकि ये तो कहते हैं अंबरेलवी दो है। नाम से ही चढ़ते हैं अहादीस में तो मुस्लिम के अल्फाज मौजूद हैं इंशाल्लाह हमारी वीडियोस की बरकत से अभी हमें नजर आना शुरू हो गया इंशाल्लाह कि ये इनशाला मुस्लिम तक बात काफी सारी इधर तो पहुंच चुकी है और जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इंकलाब आ जाए तो बाकी तो वैसे ही कवर हो जाते हैं क्योंकि सारी दुनिया में फितना इन इलाके के उलमा का फैलाया हुआ है यहीं से एक्सपोर्ट होता है बाहर इवन चाइना में बरेलवी और देवबंदियों की मजदें उनको पता भी नहीं है कि ये कौन से दो बाबे हैं जिनके ऊपर हम लड़ रहे हैं वो इंडिया के दो शहरों के ऊपर दो मदरसों के ऊपर लड़ रहे हैं तो ये सरैया सितारे के साथ चूंकि उन्होंने भी जिक्र किया है ना कि जी वो ये स्रैया सितारा वही है जिसमें हमारे बुजुर्गों का जिक्र आता है तो मैंने ये जरूरी समझा कि मैं उसका पूरा इस हवाले से जवाब दे दूं अब मेरे भाइयों थोड़ा सा मैं मौका गनीमत जानते हुए ये जो अक्सर इलम नजूम के बारे में लोग पूछ रहे होते हैं इसकी शरी हैसियत क्या है तो वो भी इसके साथ मैं ऐड कर दूँ सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़ुन अल हदीस है हदैबिया के मौका पर सयाबा इक्राम कहते हैं हमने नबीम के साथ फजर की नमाज़ अदा की तो आपली वसम ने फजर की नमाज के बाद हमारी तरफ मुतव होकर फरमाया कि जानते हो तुम्हारे रब ने अभी अभी क्या फरमाया है डरेक्ट वही आ रही सर इस इस कैफियत को साबे कराम ही फील कर सकते हैं। जानते हो तुम्हारे रब ने अभी अभी क्या फरमाया है तो साहबा ने कहा अल्लाह और उसका असूल बेहतर जानते हैं आपने फरमाया कि तुम्हारा रब फरमाता है कि सुबह लोगों ने दो हाल पर की है एक वो लोग हैं जिन्होंने सतारों पर ईमान लाते हुए और अपने रब से कुफर की हालत में सुबह की है जिन्होंने यह कहा कि यह बारिश जो रात को हुई थी यह सतारों की वजह से हुई थी वो सितारों पर ईमान ले आए और अपने रब का कुफर कर दिया और जिन्होंने यह कहा कि यह बारिश जो है वो अल्लाह की वजह से हुई सितारों की वजह से नहीं हुई वो अपने रब पर ईमान लाए और सितारों का कुफर कर दिया यानी साहब कर राम अली मिद्वान इससे आपको पता चल जाएगा कि सितारों के इल्म की क्या हैसियत है इस्लाम में इसी तरीके से मेरे भैयाओ बिदाउद और इब्ने माजा में हदीस है ने फरमाया जिसने इल्मे हासिल किया उसने जादू का हिस्सा हासिल कर लिया सुन नबी में एक और हदीस है जो शख्स किसी काहिन के पास गया उसने मोहम्मद वसल्लम पर उतरी हुई शरीयत का इनकार कर दिया बेजारी का इजहार कर दिया तआला सही मुस्लिम एक और हदीस है जो शख्स काहिन के पास गुमशुदा शे का हिसाब किताब लगवाने के लिए गया चालीस दिन तक अल्लाह ताला उसकी नमाज भी कबूल नहीं करेगा यह सही मुस्लिम हदीस है सही बुखारी में तालीकन इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक थ्री वन नाइन एट नंबर हदीस के अंडर सईदना कतादा ताला ताबिर रदी ताला का कॉल लिया है इमाम बुखारी ने लिकल लिया है इसकी पूरी सनत इबन हजरत कलानी ने लिखी है कि यह सही सनत के साथ है वो कतादा कहते हैं कि के तीन मकासद हैं नंबर वन वालकत दुनिया भी अल्लाह ने से इस आसमान दुनिया को मुजयन किया है यह खूबसूरती का बाहिश नंबर टू रुझू उसी आयत में आता है हमने शयातीन को भगने का जरिया बनाया इनको नंबर थ्री जो सूरत नाम की आयत नंबर नाइन्टी सेवन में आया लिता तदू बिहा फी वात ताकि तुम इन स्टारों के जरिए खुशकी और समुद्रों में अंधेरों के अंदर रास्ता तलाश करो नॉर्थ स्टार के जरिए आप कर सकते हैं ना नार्थ स्टार की तरफ अगर आपका बाया कंधा हो ना तो आपके सामने मशरक होता है और बिल्कुल पीछे मगरब और राइट के ऊपर जनूब और ना स्टार तो होते ही नॉर्थ में तो ये आप दुनिया में कहीं पे चले जाएं और ना स्टार आप लोकेट करते हैं वो जो स्टार्स की मुख्तलिफ बनी होती हैं शक्लें दुब अकबर हम उसे कहते हैं वो अगर आपको पता चल जाए तो आप लोकेट कर सकते हैं इसके बाद कतादा कहते हैं इन तीन चीज़ों के अलावा जिसने भी इल्म नज़ूम के हवाले से कोई बयान किया और तो वह ग़लती पर है और उसने अपनी उम्र का हिस्सा ज़ाया कर दिया उन्होंने कहा कुरान सन्नत में सिर्फ ये तीन चीज़ों का ताल्लुक है इस के साथ नंबर वन आसमान की खूबसूरती नंबर टू शयातीन बगाने का जरिया मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सूरतुल हिजर में आया कि साकिब हम मारते हैं जन्नात के ऊपर जब वो उचकने की कोशिश करते हैं और नंबर थ्री उन्होंने कहा कि ये आप इसके जरिए रास्ते अंधेरी रात में मालूम कर लेते हैं इसके सिवा अगर कोई करता है अपनी उम्र ज़ाय करा जिस तरह हमारे मुफ्ती साहब ने अपनी उम्र जया है इसको कोरोना के साथ लेट किया पुधने क्या किया उस रोजारा क्या से क्या बना दिया ये इसी तरीके से यह जैसे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग चीज पेश करते हैं हमें किसी ने अकेडमी में एक दफा हदीस भेज दी कि सही बुखारी में हदीस है कि सबसे बेहतर वो है जिसकी सबसे ज्यादा बीवियां हों मैंने कहा यार इस तरह की तो कोई हदीस मेरे में नहीं है तो सही बुखारी खोली तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये कॉल था कि वो निकाह की तरगीब दिलाते हुए कह रहे थे कि निकाह जो है नेकी का काम है और जो सबसे बेहतरीन शख्स था ना उसकी इतनी ज्यादा उसने निकाह किए हुए थे यानी नबी इस्लाम ने भी निकाह किए तो आप अल्लाम चूंकि इंसानियत में सबसे बेहतरीन है तो आपने जो अमल किया है ना वो बेहतर है तो उसने उसको वो और तरह बयान किया कि जो सबसे सब ज्यादा शादियां करता है वो सबसे सब ज्यादा अच्छा होता है ए गीता सितारे रिलेट करती है हालांकि वो तो मौसम के आने की खबर थी बारह मई वैसे बारह मई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं है सैकड़ों लोग मरे थे आपको पता है बारह मई में टू थाउजेंड सेवन के अंदर कराची में एक सबक फ़ौजी डिक्टेटर जो इस वक्त मौत के लिए एड़ियाँ रगड़ रहा है एक बीमारी में उसने कतलेआम करवाया था सिर्फ पोलिटिकल गेंद की खातिर तो बारह मई तो पाकिस्तान में आफत आई हुई है और जो इस तरीके से आफतें बगा रहे हैं तो सर पोलियो आफत नहीं है बारह मई आगे गुजर जाती है हर दफ़ा डेंगी उधर का उधर ही रहता है यह अब मैं आपको एंटीवेनम एंटी वैनम फक्की इल्ज़ामी जवाब भी सहाजत दे रहा हूँ कि इस तरीके से जाता है और वो दलील दे रहे हैं जो अमेरिका ने भी अनाउंसमेंट किया अमेरिका ने तो कई दफ़ा डेट्स बदलियां अभी इस चौदह की दी है ना डेट उन्होंने अब और भी आगे दे देंगे फिर क्या करोगे तुरी तो अल्लाह ना करे कि गौरों को उर्दू आए और आप लोगों को इंग्लिश आए कि उनको आप लोगों की बातें पता चलें तो उल्टा इस्लाम की बदनामी का बायस बने इस्लाम की कहानियत क्या है कि इसकी वजह से तो इस्लाम को ये लोग मशकूक बना रहे हैं अपनी गलत इंटरप्रटेशन के ज़रिए सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक और हदीस है नबील इस्लाम से काहिनों के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि ये काहिनों का इल्म कोई शायद नहीं है तो साहबा ने कहा अरसोल्ला बाजुकात वो ऐसी प्रिडिक्शन करते हैं वो वाकई पूरी भी हो जाती है पेश कोई तो फिर आप्लाम ने फ़रमाया कि होता यह है कि जब अल्लाह तरिश्तों को अहामात देता है फ़रिश्ते ज़मीन की तरफ आते हैं तो वह अहामात आपस में डिस्कस करते हैं तो बात शयातीन उनके करीब होते हैं तो उसमें से कुछ वो भी सुन लेते हैं फिर उसमें अपनी तरफ से चीजें मिला के काहिनों को बताते हैं और काहिन जो है वो सौ किस्म के झूठ ये अल्फाज हैं कि हंड्रेड टाइम उसमें झूठ मिला के लोगों को बताते हैं कुछ बात ठीक भी होती है ज्यादातर गलत बातें होती हैं और फिर नबीम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताल उनके ऊपर शहाब साकिब फेंकता है जिसका जिक्र सूरत हिजर में भी आयत नंबर एटीन के अंदर मौजूद है मीटराइट्स जिन्हें हम कहते हैं इनकी साइंटिफिक रीजन अपनी जगह है लेकिन साइंस बस यहां पे आके रुक जाती है कि ये फिजिकल फिनमिना ऑफ नेचर है उनसे अगर पूछे ना कि इस तारे क्यों टूटते हैं कौन डिसाइड करता है कि किस नाम कौन का तारा जो है वो टूट के उसका टुकड़ा वो फला जगह पे वो कहते हैं ये फिजिकल फिनोमिना है तो जितनी साइंटिफिक चीजें हैं फिनोमिना इनके पीछे अल्टीमेटली रीजन गॉड होती है गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनमिना इन दिस यूनिवर्स जलजला आते हैं तो साइंसदान बस इधर आके खामोश हो जाते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से उनसे आगे पूछ लें कि ये किस वक्त डिस्टर्ब होनी है और क्यों होनी है कैसे होनी है इसकी रीजन क्या बनेगी तो कहते हैं इट इस फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर बल्कि साइंस तो अपनी आर्जी का इजहार करती है कि हमारी फील्ड ही नहीं है हम तो फिजिकल वर्ल्ड के साथ डील करते हैं यह जो कुछ फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है ना ये कौन सी डिवाइन सोर्स चला रही है कौन सी सुप्रीम बींग ये सुपर नेचुरल एजेंसी या सुप्रीम अथॉरिटी चला रही है यह हमारा क्वेश्चन नहीं है हालांकि असल क्वेश्चन तो वही होना चाहिए साइंस तो सिर्फ ये डिस्कवरीज करती है साइंस ने डिस्कवर किया कि जी आ, सूरज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जमीन मशरक से निकल के मगरब में गरूब होता है वैसे तो नहीं होता विद रिस्पेक्ट और उसमें हर सेकेंड में पचास करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया सूरज को समझने के लिए इक्वेशंस हैं ये फिजिकल लाज हैं, इन लाज ने नहीं पैदा किया अंडे में से चूजा निकला ये एक इंफॉर्मेशन है तो क्या इस इंफॉर्मेशन का ये मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन ने अंडा बनाया नहीं अंडे को समझने के लिए चूजे को समझने के लिए इंफॉर्मेशन है बनाने वाला तो अल्लाह है तो सितारों का इल्म की कोई इस्लाम में हैसियत नहीं है जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और जाके इनसे काहिनों से हिसाब किताब लगाते हैं और मैं देखता हूँ बड़े बड़े मजहबी लोग भी जो है ना वो हिसाब किताब लगवा रहे होते हैं इस किस्म के हिसाब किताब ना लगवाया करें और वो तुक्के लगाते हैं तुक्के पूरे हो जाते हैं और पाकिस्तान में तो आप हर किस्म का तुके यहाँ पर पूरा हो जाता है यहाँ पर लात वाक़ तो किसी वक्त भी बिगड़ जाते हैं किसी वक्त ठीक हो जाते हैं और फिर लोग वो पूछ रहे होते हैं कि जनाब ये कैसे पता चल गया कैसे कर दिया तो मैं फिर इनको आखिरी जवाब यही दे सकता हूँ कि मैं अपनी मकैनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन उसका एक फार्मूला किसी बुजुर्ग को किसी काहिन को किसी साहेब कशफ को सारे अब ये हो गए ना किसी इस्तेदराज वाले को लिख के देता हूं वो देख के पढ़ के बता दे दिल का हाल छोड़ दो देख के सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं समझाना तो सोच भी नहीं सकता वो कि लिखा क्या हुआ है देख के भी नहीं पढ़ सकता समझाना तो बड़ी दूर की बात है अगर कोई समझता है तो आ जाए फिर कर लेते हैं चेक लिख देते हैं आपके सामने मीडिया को बुला लेते हैं तो मान लेंगे आपको वैसे तो सारी के सारी वीडियोस देख के आपके अंदर से एक ही आवाज़ निकलेगी कि वाकई यार मरने से पहले अ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और और ये बजरिस नंबर हंड्रेड किताबों का खुदा और बाबों का खुदा उसमें ऑलमोस्ट पचास वो समझ लें पचास किस्तें तो रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं ना पचास टॉपिक्स हैं अब तो नया भी अर्ज कर दिया इसमें जी इसी का एक नया वर्जन आया है वो एक बुजुर्गों ने हमारे बाद में कहा था ना कि जी इसको क्या पता बाबा क्या होता है बाबे का एक वखरा जहाँ होता है उसका अपने जहाँ में एक जहाँ होता है तो उसी से ही यानी एक चीज़ पिक हुई कि यार ये जो हम कहते हैं ना मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पर गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और तो इसी काफी के ऊपर एक और शेर भी बन जाता है इस एतबार से कि कहने को तो दी सब का इस्लाम है लेकिन सूफी भी कहते हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं सल्फी भी कहते हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं सुन्नी भी कहते हैं शिया भी कहते हैं और आप शूट साहब ले लें बरेलवी दे बदी एल सब के सब कहते हैं कहने को तो दी सब का इस्लाम है लेकिन किताबों का जहां और है बाबों का जहाँ और ये किताबों का जहाँ तो बहरल इन सारी चीज़ों की बात आपके अंदर से आवाज़ निकलती है कि ना मैं बॉबी ना मैं बाबी मैं हूँ मुस्लिम इलमी किताबी तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई सर कोरोना का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कोरोना को आप साइंटिफिकली लेके चलें चले अपनी एहतियात के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह की तरफ रुजू लेकर कर रूहानी तौर पर इन शाह तत्य खैर हैं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में हर साल 200 से ज़्यादा वायरसेस आके मुख्तलिफ किस्म की नजला जुकाम की बीमारियाँ फैला के अल्लाह के फजल से करोड़ों लोगों के ऊपर अटैक करके उनका कोई नुकसान पहुँचाए बगैर वापस चले जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ अल्लाह तला ने ऐसी रखी हैं कि वो इम्यूनिटी सिस्टम उनके साथ जंग करता है तो अदरवाइज अगर आप किसी को वैसे मारना चाहते हैं तो उसको कोरोना कोरोना कह के बेशक मार दे तो वो मर जाएगा वो तो बिल्कुल मर जाएगा मैंने आपको अपने ऑफिस का वाक्य बताया कि वो गलत रिपोर्ट बन गई कि इसके गुर्दे फेल हुए हुए हैं तो एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट पच्चीस तीस किलो वजन उसका कम हो गया हालांकि उसको कुछ भी नहीं था बाद रिपोर्ट गलत थी वो ठीक हो गया बल्कि मुझे एक डॉक्टर साहब ने अगले दिन बताया वो कहते हैं ये बिल्कुल जैनवन वाक़ है यूरोप या अमेरिका में एक शख्स के बारे में जिसको डेथ पेनल्टी थी तो उसके ऊपर उन्होंने तजर्बा करना था कि ये जो आपके सेंसिस की जंग है ये कैसी जंग है कि इंसान अगर अपने नर्वस कंट्रोल ना रख सके तो वो फारग हो जाता है उसको उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बिजली के झटके से या जहर का टीका लगा के नहीं मारेंगे कोबरा सांप डसवा के तुम्हें मारेंगे उसकी आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध दी और दो कॉमन पिन्हें वो दो दांत होते हैं ना कोबरे के उसके कमर पे ना उसी फासे पे रख ऐसे चुभोए वो मर गया कॉमन पिनों से जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के खिलाफ जब भी खेलती है मैच हार जाती है क्योंकि वो पहले ही लूज लूजर हुए होते हैं कि इनसे नहीं हम जीत सकते तो ये सारी नर्व्स की गेम है ठीक हो गया ठीक हो है ज़्याकुर अरे भी अगला क्वेश्चन है पिछले दिनों नमाज जुमा के हवाले से कराची की एक मस्जिद में इजाज़त से ज़्यादा गैदरिंग करके कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली मस्जिद इंतज़ामिया को समझाने के लिए जब एक लेडी एस एच ओ मोहतरमा शराफत ख़ान साहिबा वहाँ पहुँची तो अचानक नमाजियों ने उन पर हमला कर दिया जिसकी वजह से उनकी एहनक भी टूट गई और मामूली ज़ख्म भी आया दीनदार लोगों की जानब से इस तरह के एटीट्यूड को आप किस नज़र से देखते हैं इंतहाई शर्मनाक एटीट्यूड है ये तस्वीर का एक रुख है जब हमने इन वो मस्जिद इंतज़ामिया या उनसे रिलेटेड लोगों के साथ रब्ता किया तो उनका मौक़ यह है कि इन्होंने वहाँ पर अपनी मादरी ज़ुबान में पश्तों में गालियाँ निकाली हैं और वो कहते हैं कि ये जो इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको नज़र आ रही है ना ये आप किसी को सुनवाएँ तो ये गालियाँ निकाल रही हैं उसकी वजह से हम लोगों ने इनके ऊपर काउंटर अटैक किया मैं इसके बावजूद कहता हूँ कि एक औरत के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाना और दूसरी तरफ वो सरकारी एहलकार भी हो ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाली बात है ये कोई एटीट्यूड नहीं है आप सब्र का मुजाहरा करें जब दीनदार तबका ये कहता है कि हम लोग रिलीजन के फ़ॉलो करने वाले हैं और हमारे नबी इलास्लाम को दीन की राह में तकलीफ़ें भी दी गई तो उन्होंने बर्दाश्त की अपनी ज़ात की खातिर किसी को बद भी नहीं दी तो इसी चीज़ को जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो आप ये सारी बातें भूल जाते हैं और आप इस तरीके से यानी अटैक कर देते हैं एक एस एच ओ के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है और मेरा ख्याल है पुलिस वालों ने वो औरत इसलिए भेजी कि शायद औरतों का ये ख्याल कर लेंगे क्योंकि मर्द आता तो वैसे ही उन पर ज़्यादा गुस्सा आता है ना औरतों के साथ बंदा थोड़ा लिहाज करता है बाकी मीडिया भी खैर एक तरफ़ की पिक्चर पेश करता रहा मीडिया को हम छोड़ते हैं असल चीज़ यह है कि इसके बावजूद ये ज़्यादती हुई है उनके साथ और इस ज़्यादती में पूरा पूरा हिस्सा है हमारे इस माशरे का हमारे पोलिटिकल लीडर्स का हमारे रियासी इदारों का जिन्होंने हमेशा पुलिस को ग़लत तरीके से ही अवामनास के सामने पेश किया है ये तो जब से ये दहशतगर्दी के हवाले से पुलिस वालों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं तो इनके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वरना पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ जब फ़ौजी शहीद होते थे उनके लिए शहीद बोला जाता था और पुलिस वालों के लिए बोला जाता था हलाक हो गए इतने पुलिस वाले और अवाम के लिए भी हलाक हो गए ये तो अब ज़रब अज़ब और फसाद के बाद थोड़ा सा चूँकि कंसेंसिस हुआ रिवासी इदारों का और पोलिटिकल लीडर्स का और जमातों का तो इनको ये थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार ये नहीं है टर्म्स सब के लिए शहीद की इस्तेमाल करनी चाहिए तो पुलिस को बदनाम करने में जहाँ पुलिस वालों की अपनी कमज़ोरियाँ हैं साथ ही साथ बाकी लोगों ने भी पूरा पूरा हिस्सा डाला है आप देखेंगे कि हमारे पीटीवी के ड्रामे हो या दूसरे प्राइवेट चैनल्स के ड्रामे हो उसमें पुलिस वालों को हमेशा बुरे किरदार के तौर पे उमूमन पेश किया जाता है और मेरे लिए ज़्यादा दुख की बात है कि जब हमारे एक रियाती इदारे ने एक टी ड्रामा बनाया है उसमें वो पुलिस वालों को बुरा दिखा रहे हैं तो कल को पुलिस वालों ने अगर कोई इस किस्म के ड्रामे बनाने शुरू कर दिए उसमें आपको बुरा दिखाना शुरू कर दिया फिर आपने कहना है कि जी ये देखें जी ये तो उबुलवतनी का सवाल आप उठाना शुरू कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया को अज खुद नोटिस लेना चाहिए ऐसी तमाम चीज़ों का ऐसे तमाम ड्रामों का जिसमें हमारे जो रियाती इदारे हैं चाहे पुलिस हो फौज हो एजेंसीज़ हो उनका नेगेटिव करैक्टर दिखाया जाए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए वरना यही कुछ हमें भुगतना पड़ेगा अब देख लें अवाम उन्नास जो है वो पुलिस से कितनी नफरत करती है हालांकि मैं डायरेक्टली हमारे हजारों में स्टूडेंट्स हैं पुलिस वाले दीनदार लोग मौजूद हैं बेचारे इतनी मेहनत से अभी ये कोरोना का जब इशू चल रहा है सब लोग डॉक्टरों की बात कर रहे हैं डॉक्टरों को तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अवेलेबल है पुलिस वाले जो बेचारे ड्यूटीज़ दे रहे हैं आप देखें कि उनके पास तो सारे ना मास्क पूरे तरीके से हैं ना दस्ताने मौजूद हैं और कितनी मजलूमी की जिंदगी वो गुजार रहे हैं यकीन करें मुझे पर्सनली वैसे पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी आता है इनके साथ हमारा एज एशरा रवैया दुरुस्त नहीं है और ये बहुत सख्त ज़्यादा है जब हम पुलिस को बाकी रियाती इधारों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं सर ये कंपेयर आप उस वक्त करें जब आप जो बाकी रियाती इधारों को बजट दे रहे हैं ना उसका दसवा हिस्सा पुलिस को दें ना आप तो वह आपको उनसे बेहतर काम करके दिखा देंगे क्योंकि पुलिस वाले सिविल एजेंसीज हैं और सिविल एजेंसी जो हैं इन फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है वाम उन्नास का इसलिए आप देखते हैं कि जिस तरह कराची शहर में रेंजर्स कभी कामयाब नहीं हो सकती थी जब तक कि पुलिस उनका साथ ना देती जिस तरह के मशहूर है हमारे में कि पुलिस वालों को तो वारदात होने से पहले पता होता है कि किसने की है ठीक है ये एक मजाक के तौर पर पेश किया जाता है तो इसका अगर पॉजिटिव पहलू देखें ना तो उनको हर इलाके में हर मोहल्ले में जो टेढ़ा बंदा है कौन सा डान है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज उनके पास होता है लेकिन इन बेचारों की हालत ये है कि ये इनके पास अपनी जो ये गाड़ियां लेके फिर रहे होते हैं क्या कहते हैं जी इनको ये मोबाइल मोबाइल में पेट्रोल और डीजल डलवाने के पैसे भी नहीं होते हैं इन हमें भी कुछ कोर्ट्स के केसेस को भुगतना पड़ा ना तो उसमें अंदाजा हुआ है कि कई बार मतलब मैंने उनको पिंडी लेके गया हूं अगर हाई कोर्ट में तो मतलब हम साथ लेके जाते हैं खुद खर्चा करके उनको जितना खर्चा मिलता है बेचारे गर्मियों में वो उस तरह नहीं कर सकते हमने तो जाना होता है चलो Uh, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम अज़ कम सख गर्मियों में कोई ए सी वाली मिल जाए तो वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये ओवरऑल हमारा मुशरा मैं समझता हूँ मुजरिम है और आप देख लें दो हज़ार चौदह के धरनों में भी जिस तरीके से पुलिस वालों को ज़ख़्मी किया गया उसके बाद फिर एक मजहबी जमात की तरफ़ से धरने हुए फैज़ाबाद वाले उसमें पुलिस वालों के ऊपर किस तरीके से पथराव किया गया वो एक आप देखें लड़का वहम फील किया हुआ था उस बेचारे की आँख निकल गई ठीक है जी बिल्कुल यंग बच्चा पढ़ा लिखा अब उसका क्या कसूर था गुलेलें चलाने दी और इधर जो है वो जनाब कोर्ट से डिसीजन आ रहे हैं और जनाब ट्वीट्स आ रही हैं कि जी जनाब इनके साथ आप नरमी का रवैया रखें इनके साथ नरमी का रवैया रखें और अपनी आंखें निकलवा लें और वही कुछ हुआ मैंने देखा है कि ना हमारी नेशन ना हमारे रियाती इधारे ना हमारे पोलिटिकल लीडर्स इवन ना हमारी अदलिया पुलिस के पीछे खड़ी होती हो कोई नहीं इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग हो के जो इनको एज एदारा ऑन करते हो हालांकि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं मेरे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं दीन के एतबार से तो अपने अपने इलाकों के टॉपर्स हैं वो सी एस एस में टॉप किया हुआ है डॉक्टर्स हैं तो अपनी फील्ड में टॉपर्स हैं उन्होंने अपने शौक़ से ये यानी महक में अडोप्ट किए जब वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग उनके बारे में इस किस्म की बातें करते हैं हालाँकि बड़े बड़े अच्छे ईमानदार लोग भी मौजूद हैं लेकिन हमारे माशरे में ओवरऑल पुलिस वालों के साथ जो रवैया है ना इस माशरे का कोई पॉजिटिव नहीं है अब रहा उनका रवैया तो ज़ाहिर है कि उनके अंदर भी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं लेकिन अगर आप उनको गिवन सर्कमस्टांस में देखें ना तो किसी हद हाँ तक जो है ना उनकी गलतियाँ जस्टिफाई इस एतबार से हो जाती हैं कि उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल जो बाकी लोगों को अवेलेबल है उनको खाली आप फज़ाइल सुना के चला सकते हैं सीधी सी बात है तो बातें करना सिर्फ आसान है ना आप जरा पाकिस्तान के जजस की तनखाएं देखें ना उसके अगेंस्ट पुलिस वालों की तनख्वाए देखें फौज के अंदर ऑफिसर्स के आप बेनिफिट्स देखें और पुलिस वालों के बेनिफिट्स देखें जब आप उनको वो कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आप इस किस्म के फरिश्ते बन के आपको नजर आएंगे और फिर अगली बात है वो इसी मुआरे का हिस्सा है बाहर हमने इंपोर्ट किए हुए इस माशरे में अगर कोई दो नंबर है तो वही अगर पुलिस में चला जाता है दो नंबर होगा इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल लीडर्स में लोग खराब मौजूद हैं तो जजेस में भी हैं फौज के अंदर भी हैं पुलिस के अंदर भी हैं इसकी वजह से पूरे पूरे इदारे बदनाम नहीं हो जाते वो चंद इंडिविजुअल्स हैं और वो इंडिविजुअल इसलिए हैं कि एज ए नेशन हमारे अंदर इस तरह की कमजोरियां मौजूद हैं ग्रास रूट लेवल से हम लोग सिर्फ अपने बच्चों की तालीम पर तोज्जो दे रहे हैं तरबियत कोई नहीं है तरबियत ज़ीरो है जिसका मैं आपको एक मुँह बोलता सबूत देता हूँ आप अपने घरों में मुशरे में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड हो ना लोग कहते हैं यार ये बिल्कुल पोला है हमारा बच्चा इसको कुछ पता नहीं है और जो चलाकी और शाईरी करके को दो नंबर तरीके अडोप्ट करता वो कहते हैं यार ये बच्चा है ऐ तेरा मुंडा सही निकल है जो बच्चा अपने बाप को यह कहे कि ट्रैफिक सिग्नल पर है उसको कहते हैं ये तो बिल्कुल सीधा जाए रुक रहे और जो कहते हैं ना जी कोई नहीं राशि कोई नहीं कट खड़ो कहते मुंडा तेज है ये हमारा मैार है जनाब तो फिर इस किस्म के लोग जब पुलिस में जाएंगे फौज में जाएंगे अदलिया में फिर वो इस किस्म के ही बन के निकलेंगे ना जो बचपन से आपने तरबियत की है लेकिन सर आप गोरों में देखें ना फिर कहते हैं घोरों की तारीफ करते हैं सर उनमें अक्सर आपको बिल्कुल सीधे बिल्कुल लोग नजर आएंगे बिल्कुल सीधे साधे सर जिन मुल्कों के अंदर कंडक्टर ही ना हो बसों में किराया लेने के लिए लोग अपना किराया खुद ईमानदारी से डालते हों उनके साथ हम अपना कंपेरिजन क्या करवाएं जन्नत में फिर भी आप नहीं जाना है ठीक है ना तो मैं इस वाक्य में जो कुछ हमारे उस मजहबी तबके की तरफ से हुआ उसको कंडेम करता हूँ पुलिस ऑफिसर के साथ हम हमदर्दी का इजहार करते हैं प्लस ये है कि मैं थोड़ा रिलीजियस तबके से बात करूँ ये जुम्मा इस वक्त कोरोना की वजह से हमारे लिए थोड़ी सी आजमाइश बन गया और लोग हमें हदीसें सुना रहे हैं कि जी वो तीन जुमे जिसने छोड़ दिए तो ये हो जाएगा और ये वो लोग कह रहे हैं जो जुम्मा तो नहीं छोड़ते और नमाज पढ़ते भी कोई नहीं जुम्मे के अलावा कोई पढ़ी नहीं जुम्मा कभी छोड़ा नहीं तो उनको बताएं कि सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक टू फोर सिक्स नंबर हदीस है बंदे के शिरक और इस्लाम कुफ्र और इस्लाम शिरक और ईमान के दरमियान फर्क नमाज है नमाज छोड़ने वाला पाकिस्तान के शिनाखती कार्ड में मुसलमान है अल्लाह के यहां वो काफिर है अमलन और ये सिर्फ जुमे की नमाज नहीं आम नमाज तो जुम्मे को लोगों ने अपने सर पे सवार किया हालांकि जुम्मे का ताल्लुक जिस चीज के साथ था ना वो थी तजीर नसीहत जुम्मे वाले दिन आपने लोगों को नसीहत करनी है आखिरत की जवाबदेही का सुनाना है डर इसीलिए आप देखते हैं कि वैसे जुम्मे की नमाज के बाद हम पढ़ते हैं जोर वो चार रखते होती हैं लेकिन वाले दिन अल्लाह ने दो रखते कम कर दिए क्यों कि तकरीर सुननी है आपने सही बुखारी मुस्लिम हदीस है जो सबसे पहले पहर में आ जाता है उसे ऊंट नहर करने का स्वाब मिलता है मस्जिद के अंदर जो उसके बाद आता है उसे गाय जबा करने का जो उसके बाद आता है उसे बकरिया भेड़ जो उसके बाद आता है उसे मुर्गी सदका करने का और जो बिल्कुल एंड पे आता है ना उसे अंडा सदका करने का स्वाब मिलता है और जब मेंबर पर खतीब चढ़ जाता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर देते हैं और बुखारी मुस्लिम के अल्फ हैं फिर वह जिक्र सुनना शुरू कर देते हैं जिक्र क्या वह तकरीर को कहा गया या दहानी इन ना नजल निक्र वा इन हाफिज़ू ये कुरान भी तो अल्लाह की याद है ना सही मुस्लिम में ऊपर तले चार हदीस हैं कि नबीलाम के, के जुम्मे का ख़ुतबा कुरान की आयात हुआ करती थी खसूस सूर क़ाफ सूरत नंबर जो पचास है पारा नंबर छब्बीस में आपकी तकरीर ये होती थी तो जुम्मे का मकसद है तकरीर और तकरीर में निका तलाक़े के मिसाइल नहीं पोलिटिकल इशूज़ लिहाजा जुम्मा पढ़ाने का मनसब बेसिकली का नहीं है हुक्मरानों का है फैसल मस्जिद में प्राइम मिनिस्टर को खुद जुम्मा पढ़ाना चाहिए चलें नुमा पढ़ाने के लिए कोई आलम दिन आगे कर दे जुम्मे की तकरीर प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए हर शहर में डिप्टी कमिश्नर खुद जुम्मा पढ़ाए तकरीर खुद करे ठीक है बाकी जो है वो बल्कि अब ये पी टी की गवर्नमेंट ने तो शुरू भी किया उन्होंने छोटे छोटे लेक्चर शुरू करवाए हैं जुम्मे वाले दिन मुख्त मसाजिद के अंदर पुलिस ऑफिसर्स के एक दो जगह पर मैंने ऑब्जर्व किया तो चले वो अगर उनको मेंबर पर नहीं चढ़ने देते जुम्मे के बाद ही कोई दो चार बातें वो कर लें कि आप हमें सजेस्ट करें तो ये जुम्मे का मकसद था लिहाजा अब ये जो लोग कह रहे हैं जुम्मे हमारे छूट रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी तकरीर सुनी नहीं है दूसरी जान के वक्त मस्जिद में जा रहे होते हैं तो ये कौन सा जुम्मा पढ़ रहे हैं और फिर उनके वो भी कह रहे होते हैं कि जी वो असल ख़ुतबा अरबी वाला है असल अरबी वाला है जो वो आलिम को खुद नहीं उसका तर्जमा पता होता ना आर को पता होता है वो असल है और यार जब मेंबर पर चढ़ गए ना आप तकरीर शुरू कर दी तो अब आप आने वाले का बस सिर्फ टोटल बुरा होगा जुम्मे का एक्सो स्वाब उसका खत्म सिर्फ फर्ज अदा होगा तो चूंकि ये पॉलिटिकल गैदरिंग है इसलिए जोर था कि जुम्मा ना छोड़ा जाए ताकि मुसलमान एक पेज पे रहें से पकड़ के बता दिया वो जी मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबीस्लाम ने फरमाया कि लोग जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाए वरना अल्लाह तला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा क्यों कि वो मुसलमानों की मेन स्ट्रीम से हट जाएंगे अबूदऊ तिर मजीन साहिब ने माजा में हदीस है जिसने तीन जुम्मे छोड़ दिए अल्लाह तौल उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देगा वो जुम्मे से मुराद दो रखते नहीं हैं अरबी ख़ुतबा नहीं है असल में वो तकरीर है जिसमें कहानियाँ ना सुना रहे होंनों से न सुना रहे हो वरना वो आम नमाज ही है फिर मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो लोग जुम्मे वाले दिन मस्जिद में नहीं आते अपने घरों में रहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जगह किसी और को इमाम मुकर करूँ और उनको घरों समेत आग में जला दूँ कितनी बड़ी थ्रेट है इस तरीके से हदीस है नबी रास्ताम ने फरमाया कि जुम्मा सिर्फ चार लोगों को मुआफ़ है या वो ग़ुलाम हो या औरत हो या बच्चा हो या मरीज़ हो तो अब हम कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन से गुजर रहे हैं मर्ज की कैटेगरी किसी दर्जे तक फॉल करती है गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है जुम्मे के हवाले से जो स्ट्रिक्शन लगाई हैं तो उसको फॉलो करें इस पे आपके पर आपके ऊपर कोई गुना नहीं होगा अब ज़ोर की नमाज घर में अदा कर लें बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है जब तेज़ बारिश होती या सख्त सर्दियाँ होती तो नबीलाम कहते अज़ान के साथ ऐड करवाते फिर रेहाल हया अलसला हया आलफलाह छोड़ देते और ये कहते कहो फिर रेहाल घरों में नमाज़ पढ़ लो सल्लूफ़ी बूती कुम अपने घरों में ही नमाज पढ़ दो लोग कहते हैं वो इसलिए कि कीचड़ था चलो बारिश के लिए तो कीचड़ था सख्त सर्दियों में क्या मसला था तरद आने में गर्मियों में भी तो जहाँ पे आसानी है वो आप लोगों को लेने दें वैसे मैंने इसके ऊपर कोरोना के हवाले से मेरी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं घर में नमाज पढ़ना तरावी के हवाले से नफली नमाजें तो वैसे ही घर में अफजल हैं तो ये चूँकि लोगों के दिमाग पर ये जुम्मा उस अतबार से सवार हुआ हुआ है इसलिए वो कहते हैं कि हमें जो मर्जी हो जाए लोगों ने तो घरों में जुमे शुरू करवा दिए हैं ये नई बिदत शुरू हो गई है लोग समझते हैं कि दो रखते पढ़ना और मेंबर पे दो चार आयतें पढ़ना ये जुम्मा इसका नाम है जुम्मा इस चीज़ का नाम नहीं था जुम्मा था नसीहत के लिए तजगीर के लिए एक पब्लिक गैदरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से घरों में आप जुम्मे की जगह ज़ोर की नमाज़ ही पढ़ेंगे जुमे की नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और जो इस तरीके से छुप के जुम्मे पढ़ रहे हैं और फिर बाद में पुलिस वालों के ऊपर इस तरीके से तशद्द करते हैं ये कोई इस्लाम का अच्छा चेहरा लोगों के सामने पेश नहीं कर रहे हम इनके लिए दुआई कर सकते हैं अल्लाह इनको बताए थे ठीक हो गया अली भाई अगला सवाल है एक इस्लामी बहन का कहना है मेरे हस्बैंड वफात पा चुके हैं और उनके नाम पर बैंक में बीस लाख रुपये रखे हैं मेरी आमदन का भी कोई ज़रिया नहीं और मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और उनका ख़र्चा भी उसी रकम के प्रॉफिट से पूरा होता है क्या मुझे उस रकम पर जुकवात अदा करनी होगी हाँ जी जक़ात तो अदा करनी होगी ज़हरा एक मुश्किल वक्त है आपके ऊपर और सिर्फ ये इनका मसला नहीं है इसके अलावा भी अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि जी मेरे पास इतनी जमा पूंजी है लेकिन मेरा कोई कमाने वाला नहीं है तो मैं जिकात दूंगा या नहीं ये जक़ात दूंगी या नहीं तो ये याद रखिए कि ये इस्लाम ने सिर्फ इजाज़त दी है आपको कि आप एक्स्ट्रा कमाई करके उसकी जिकात अदा कर लें अदरवाइज़ जो असल तो ये है कि आपके पास जो सोना जमा है ना उस सोने को तोड़वा के उसमें से जुक़त देनी होती है क्योंकि इस्लाम इस चीज़ को डिस्करेज करता है कि कोई शख्स जो है वो 85 फाइव ग्राम ऑफ गोल्ड या इसके इक्वेलेंट रकम से ज़्यादा जोड़े अगर वो जोड़ेगा तो हर ल्यूनर ईयर में उसको उसका 40वां हिस्सा जिसको आप अढ़ाई फीसद कहते हैं वो निकालना होगा साढ़े सात तो वाले सोना बनता है आलमोस्ट या इसकी मालियत और इसमें नसाब भी जो है वो सोने का होगा चांदी का नहीं क्योंकि इस वक्त जो हमारा करेंसी नोट है वो गोल्ड के एक शुमार किया जाता है चांदी तो एब्सोल्यूट हो चुकी है इस वक्त आलमोस्ट अगर गोल्ड की कीमत 95 के अराउंड अबाउट है तो साढ़े सात तोले सोने की आप कीमत निकाल लें जब उतनी जमा पूंजी बन जाएगी तो ज़ाहिर इनकी वो कितनी लिखी है 20 लाख तो ये उसके अंदर आती है तो 20 लाख को 40 पे डिवाइड करें जितनी रकम आएगी वो उन्होंने जक़ात देनी होगी उसी बीस लाख में से दें अब अगर उन्होंने बैंक में ये पैसे फ़िक्स करवाए हुए हैं फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है निकलवाना भी उसको बैंक का सूद तो हराम है अगर इस्लामिक बैंकिंग में कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है मनी अगेंस्ट गुड्स तो उसका जवाब मौजूद है तो तब भी फिर वो उनके साथ कैंसिल करके कोई और उसका रास्ता निकालें इस तरह का जक़ा तो बहरहाल देनी होगी प्लस ये है कि अगर इनके खावंद अभी फोत हुए हैं और वो बीस लाख तरक़ा छोड़ के फोत हुए हैं तो बीस लाख की बीस लाख की मालिक ये नहीं होंगी बल्कि वो तकसीम होना होगा तरके में अगर इनके सास सासर जिंदा हैं तो दोनों को वन बाई सिक्स मिलेगा इनको वन बाई एट मिलेगा और अगर इनकी उलाद नरीना नहीं है तो फिर खावंद के बहन भाइयों तक बीस आ जाएगा अगर उलाद नरीना है यानी कोई मेल बच्चा है तो फिर उलाद तक जाएगा और अगर बच्चे छोटे हैं तो है कि फिर यही मालिक हैं उनकी निगदाश के तौर पर तो उसको उस तरीके से लेके चलें ज़क़़त के जदीद और कदीम सत्तर अहकाम मसाइल के ऊपर मैंने मस्ता नंबर नाइन्टी फाइव बी रिकॉर्ड करवाया आप देख लें तो आपको ये सारे इन शाला ताम क्लियर हो जाएँगे ज़क़़़़त बहरल देनी होगी और कर्टसी के अंदर उमूमा हमारे जो मर्द हज़रा हैं वो अपनी बीवियों के सोने की ज़क़ात दे रहे होते हैं उसूला बीवियों को जक़ात देनी होती है वो कहती हैं हम तो कमाती नहीं है तो भाई जो सोना आपने जोड़ा है उसको तोड़वाएं, उसको तोड़वा के उसमें से देना होगा ये तो नहीं कि बाहर से कोई रकम ला के तो उसकी हिफाजत करनी है आपने तो ये जो मर्द दे रहे होते हैं ये मतलब तो एक करटसी में मर्द दे रहे होते हैं उसूलन तो उस औरत ने देनी है चूंकि ये माली इबादत है माली इबादत के अंदर नियाबत हो जाती है इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है नियाबत माली इबादत किसी दूसरे की तरफ से अदा हो सकती है बदनी इबादत अदा नहीं हो सकती सवाए हज या उमरे के वो एक ऐसी बदनी भी और माली इबादत है जो आप दूसरे की तरफ से हज बदल कर सकते हैं इसके अलावा जितनी चीज़ें ना वो आप दूसरे की तरफ से नहीं कर सकते कि मैं आपके हिस्से की नवाजें पढ़ लूँ नहीं क्योंकि बदनी इबादत है अलबत्त एक चीज़ है कि सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप के रोज़े कोई मन्नत के रहते हों तो करीबी रिश्तेदार उसको यानी बेटा या बेटी रखें पूरा करें ये बदनी इबादत इस दर्जे तक अलाव है वरना हर शख़्स ने अपनी नमाज खुद पढ़नी है अपना रोज़ा खुद रखना है किसी दूसरे की तरफ़ से अदा नहीं हो सकता ये लोगों ने खुद ही कहानियाँ बनाई हुई हैं बल्कि मैंने जो मुस्लिम शरीफ का मुकदमा आपको पढ़ के सुनाया था उसमें मुस्लिम ने एक रवायत ये भी नकल की है कि किस तरीके से जाली रवायतें पब्लिक में आम हैं कि जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अपने माँ बाप के लिए भी एक नमाज़ पढ़ लिया करो तो अब्दुल्ला अब मुबारक कहते हैं ये दीज किसने बयान की तो वो कहता है ये इस शख्स ने बयान की तो उनका वो तो सिका है उनका उसने किससे बयान किया उसने कहा इससे बयान की तो अब्दुल्ला अबिन मुबारक ने कहा वो भी सिका है उनका उसने किससे बयान की तो उसने कहा उसने नबील इस्लाम से बयान की तो उनका नबील इस्लाम के दरमियान इतना बड़ा जंगल है कि ऊँटों की गर्दने थक जाएंगी उस फासले को तय करने के लिए यानी कई दहाइयों का फासला है तो ये सनत मुकम्मल नहीं है हालाँकि रावी सीखा था सिका रावी भी अगर के रसुल्ला ने फरमाया और सनत बयान ना करे मरदूद है इवन इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि ताबी कह देना कि रसुल्ला ने फरमाया रिजेक्टेड जब तक वो सयाबी के साथ सनत बयान नहीं करेगा क्योंकि उसकी नबी इस्लाम से मुलाकात ही साबित नहीं तो अब ये जो बुजुर्ग बाबे कह रहे हैं कि नवी इस्लाम ने फरमाया और कहीं लिखा ही नहीं हुआ अपने एतबार से ही बयान कर रहे हैं उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है तो दीन का इल हासिल करें ये जो शरीय के मामलात हैं इनको बड़ा केयरफुली लेके चलना होता है ज़क़ात चूँकि इस्लाम के बुनियादी अहकाम से है बुखारी मुसलमदीस है इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है उनमें पहला कलमा है ला इला है ला, 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 ला मुहम्मद रसोल्लह उसके बाद नमाज़ को कायम करना ज़क़ात देना इस्तात हो तो अल्लाह की राह में हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना तो इन्होंने ज़कू़़त अदा करनी होगी इसकी ठीक हो गया ज़कूमल खैर अली भाई अगला सवाल है मेरी एक बेटी दो हज़ार अठारह दिसंबर में पैदा होने से पहले ही फोत हो गई थी हमने ना तो उसका जनाजा पढ़ा और ना ही गुसल दिया लेकिन आज अली भाई का क्लिप देखा तो गलती का एहसास हुआ ऐसी सूरत हाल में मुझे अपनी उस गलती का अजाला कैसे करना होगा प्लीज़ रहनमाई फरमा दें पहले तो अल्लाह की तरफ़ रुजू लाएँ और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको मरने से पहले पहले ये पता चल गया है कि जो आपको दीन आपके बुज़ुर्गों ने सिखाया था वो उस दीन से बिल्कुल मुख्तलफ है जो दीन किताबों के अंदर है जो हम अर्ज करते हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पर गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और वैसे इसका एक नया वर्जन भी आया है कहने को तो दी सब का इस्लाम है लेकिन लेकिन किताबों का जहां और है बाबों का जहां और कहते तो दोनों अपने आप को मुसलमान है लेकिन उसका एक वखरा जहां होता है ना बिल्कुल वखरा जहां होता है उसका अपना ही एक जहाँ होता है तो ये किताबों के जहाँ है ये पिछले दिनों मेरा क्लिप अपलोड हुआ है मुर्दा बच्चे के जनाजे के हवाले से तो चूंकि उन्होंने वो देखा है तो अब अल्लाह की तरफ रुझू लाएं और अगर उसकी कब्र लोकेट हो सकती है क्योंकि अमूमन इस तरह के बच्चों को इसी तरीके से दफना देते हैं किसी जगह ही तो बेहतर यह है कि उसकी कब्र को लोकेट करें कब्र पर खड़े होकर जनाजा पढ़ लें बुखारी मुस्लिम में हदीस है नबी इस्लाम ने अहद के ऊपर गजब अहद के आठ साल के बाद अपनी वफात से एक महीना पहले दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी इस तरीके से बुखारी मुस्लिम अदीस है एक हबशी औरत थी जो मस्जिद नबी की सफाई किया करती थी मर गई साब कराम ने बताया भी नहीं हज़ूर को खुद जनाजा पढ़ के दफना दिया तीन चार दिन बाद नबी सामने पूछा वो औरत नहीं नज़र आ रही तो लोगों ने बताया तो फोत हो गई है तो आफर महतुम तो ने मुझे नहीं बताया मैं भी उसका जनाजा पढ़ता तो मुझे उसकी कबर पर ले चलो नबी सलाम कबर पर गए जनाजा पढ़ा उसका तरीका ये होगा कि आप कब्र पे अब ये कब्र ऐसे बनी है ना इस तरफ चेहरा है और किबले के रुख की तरफ है तो आप उसकी पीठ वाली साइड पे आके खड़े होंगे ताकि आप भी किबला रुख हों और फिर आप यानी वो कब्र को सामने सजदा नहीं कर रहे होंगे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे होंगे लेकिन चूंकि मैयत को सामने रखा जाता है लिहाजा कब्र को भी सामने रख के नमाज जनाजा पढ़ेंगे नबीम ने पढ़ी और फिर आप वापस लौटते हुए आपने फरमाया ये कब्रें अंधेरों में डूबी हुई थी अल्लाह ने मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से इन्हें नूर से पार दिया इस्लाम की दुआ की बरकत अल्लाह ताला हमें भी उन दुआओं का हिस्सा नसीब फरमाए आमीन सुमीन तो ये भी इस बात का सबूत है आप कब्र पे पढ़ सकते हैं अगर कब्र लोकेट नहीं हो रही तो फिर आप गायबाना नमाजा जनाजा पढ़ लें गायबाना नमाज जनाजा जो अल ने जिस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया है ना यहाँ नहीं था बल्कि प्रोमोट क्या किया है कोई अमीर मार जाता है उसका गायबाना नमाजा जनाजा पढ़ा देते हैं को गरीब मर जाए तो उसके लिए दुआ करवा देते हैं ज़ाहिर वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितना बड़ा वो फाइनेंसर है गैर बाना नमाज जनाजा इस तरीके से साहब कराम में इस्लाम की मुबारक जिंदगी में कोई राय ज नहीं था सिर्फ़ एक वाक़ा मिलता है सही बुखारी मुस्लिम में कि नबी इलास््लाम ने नजाशी की जब ख़बर आपको मिली और ये नजाशी वो नहीं था जिसने साहबा कराम को पना दी थी उसके बाद जो नजाशी बना था वो मुसलमान था और वो मुसलमान था ज़ाहिर वो अब वहाँ पर अपना एक इंडिपेंडेंट बेचारा एक मुसलमान था कोई कम्यूनिटी नहीं थी उसका कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं था नबी नबीलाम तक ख़बर पहुँची तो सहाब इक्राम कहते हैं नबी इ्स््लाम जनाजा गाह की तरफ गए मस्जिद में नहीं जनाजा गाह में आपने चार तकबीरें कह के उसका नमाज जनाजा पढ़ा और इससे बात पता चली कि मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना ज़रूरी नहीं आप जनाजा गाह में भी पढ़ सकते हैं और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि साद साबनबी वकास जब फ़ौत हुए तो सईद आयशा ने कहा कि साद का जनाजा ला के रखो हजरे के बाहर तो साहबा रिलेक्टेड हुए मस्जिद में जनाजा पढ़ने से तो उन्होंने कहा नबील इस्लाम तो मस्जिद में भी पढ़ लिया करते थे तो इससे साबित हुआ मस्जिद में भी जनाजा हो जाता है अफजल वैसा यही है कि जनाजा गाँव में हो मस्जिद में भी जायज़ है हरमैन में आप देख लें हर नमाज के में जनाजे उठ रहे होते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद वो थोड़ा सा अजगार का टाइम देते हैं और साथ भी अनाउंसमेंट करते हैं कि सात आठ जनाजे तो एवरेज हर नमाज के वक्त होते हैं क्योंकि हरमैन के इर्द की जितने लोग हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ जनाजा पढ़ाया जाए तो एक दिल की तसली के लिए तो ख्याल अच्छा है बाकी तो अपने अमाल के मुताबिक इंसान उठाया जाएगा तो अगर कबर लोकेट नहीं हो रही तो आप गायबाना नमाज़ जनाजा पढ़ लें और गायबाना नमाज़ जनाजा आप घर में भी पढ़ सकते हैं मस्जिद में भी किसी जगह वो तो आपने किबला रुख खड़े होना है और उसके लिए मैय का सामने होना जरूरी नहीं है नबी इस्लाम ने नजाशी का पढ़ा सही मुस्लिम में आता है आबल इस्लाम ने एक जनाजे पर पांच तकबीर आत भी पढ़ी हैं उसमें फिर यह होगा कि पहली तकबीर के बाद सूर्य फात्या होगा और साथ एक सूरत दूसरी तकबीर के बाद द्रू शरीफ तीसरी के बाद दुआ और चौथी के बाद सलाम और अगर पाँच तकबीरें कहनी हैं तो चौथी के बाद फिर दुआ कोई और दुआ पढ़ लें मुस्लिम शरीफ में कई हैं एक तो मशहूर हदीस है अबोतर मजीब ने माजा में अल्लाफफी है ना व मैतना व शाह नीना वाली दुआ पढ़ लें यह याद नहीं रबा ना आतीना फिर दुनिया पढ़ लें यह भी नहीं आती रबी जाल नहीं पढ़ लें कोई सी मशूरा दुआ पढ़ लें और वह जो मैंने बताई थी मैय के लिए जो सही बुखारी में तालिकन है सुल कुबरा हकी के अंदर मौजूद है फ़र्त व ज़ुख रूँ व सलाफा इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह इसको हमारे लिए ज़ख़ीरा बना दे और एक ज़रिया बना दे यानी सिफारिश के तौर पर क्योंकि बुखारी हदीस है जिसके तीन बच्चे मर गए तो अल्लाह ताला इसके बदले उस पर अगर वो सब्र करे और अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला उसके जन्नत में जाने का सबब उन ओलाद को बना देगा सिफारिश के तौर पर एक औरत ने कहा अगर दो मर जाए तो फरमाया दो पे भी है और बुखारी में तो ये भी अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे से अगर कोई महबूब चीज़ ले लूँ और इसके बदले वो मुझसे जो भी नएमत डिमांड करेगा तो मैं उसको अता फरमा दूँगा और बुखारी में ये भी हदीस है कि जिस शख्स से मैंने आँखें ले ली तो इसकी जजात जन्नत के सिवा कुछ नहीं हैल्ला तो अब अगर इनकी बच्ची या बच्चा किसी का भी ये काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं हमने एक को एज़ ए रोल मॉडल तौर पर इंटरटेन किया है तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लें और अल्लाह ताला के हज़ूर आप अपनी मादरी लैंग्वेज में भी आम हालत में दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पे सबर के वजह आपको अजर दे और इस बच्चे को आपके लिए जखीरे आख़रत बना लें तो ये आप करें तो इन श्ल्ला तला वो गलती माफ़ हो जाए कि बरल वो इससे अब सबक लर्न करें कि आप साथ किस लेवल का धोखा किया गया है कि जो चीज़ें इन्हें दीन में थी आपको नहीं बताई गई हैं बाबों का दीन फ़िरकों का दीन इस तरीके से बताया गया तो गायबाना नमाज जनाजा भी जवास की हद तक ऐसी सूरत हाल में जायज़ है वैसे एक शख्स मार गया कराची में हज़ारों ने उसका जनाजा पढ़ा अब जेलम में इस्लामाबाद में उसका गायबाना नमाज जनाजा हो रहा है ये गलत है इसका तो कोई सबूत नहीं मिलता नजाशी वाली हदीस को इस पर फिट करना बड़ी दूर का इजतहाद है क्योंकि नजाशी तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं था नबी इलास्म का सबसे लाडला जिसे आपका बेटा भी कहा जाता था जिसका नाम भी कुरान में आया जैद इबिन आरसा जो सही बुखारी में आता है कि उसका जो बेटा था उसामा इस्लाम अपने जानों पर एक तरफ हसन इबन अली को बिठाते थे दूसरी तरफ उसामा इबन जैद को पोतों की माने था तो ग़ब मोता के मौका पर आपको पता है ना बुखारी के अल्फाज है नबीसम मदीना शीफ़ में और अल्लाह तला ने आपको दिखा दिया आप रो रहे हैं कि मेरे अब्दुल्ला को शहीद कर दिया गया अब्दुल्ला बिन रवा को और सबसे पहले जयाद इबिन हारसा शहीद हुए फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए और फिर जाफर बिन अबी तालिब जाफर तैयार जिन्हें कहा जाता है वो शहीद हो गए उनके तो बाजू भी कट गए थे तो बुखारी में आते अल्लाह ने उनको जन्नत में दो दोपर दे दिए हज़रत अली के जो भाई थे जिन्होंने सुरह मरियम पढ़ी थी निजाशी के दरबार में वो गजल मोतम में शहीद हुए थे ये तीन तरतीब से शहीद हुए फिर हजू ने कहा कि अल्लाह ताली ने अब मुसलमानों को अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार पर मुतफ़ कर दिया है मुझे अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह उस पर फ़तेह दे देगा खालिद अमन वलीद पर वो फतः बस ये हुई कि वो इतनी बड़ी रोमन अम्पायर के लश्कर से अपने छोटे से लश्कर को बचा के लेने आने में कामयाब हो गए और फिर उसके बाद फिर नबीलाम ने सफ़र किया था गजब तबूक के लिए जिसमें रोमन अम्पायर डेढ़ लाख की फ़ौज लेकर कैसे रोम भी भाग गया था वो असल में उसके बदले में हज़ूर जा रहे थे तो एल भी खैर कतल कर दिया था ये भी बीच में एक वाक्य हुआ था तो वो एक वाक्य मिलता है नजाशी वाला तो इन्हीं मुहदसन कहते हैं कि जैद इबन हारसा से ज्यादा कोई अहल नहीं था वो हज़ूर का बेटा ही था समझ लें बचपन से आपने पाला हुआ था बल्कि उनको जैद इबन मोहम्मद कहा जाता था फिर कुरान में आया कि ये मुंह वाला रिश्ता कोई नहीं है तो फिर जैद इबन हारसा इनको कहा जाए वो शहीद हुआ है ने उसका कोई गबाना नवाज जनाजा नहीं पढ़ा तो ये एक इसको ट्रेंड बनाना और फिर इसके ऊपर चंदे इकट्ठे करना ठीक है इसको एक एक्टिविटी के तौर पर करना ये उसी तरीके से जैसे तीजे दसवें चालीसवें हो रहे हैं तो ये फिलहाल ये यही चीज़ बन गई है जवाज मैं कह रहा हूँ मौजूद है लेकिन जवाज भी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में है ये नहीं है कि जनाजा हो चुका है और आप फिर बार बार उसके गायबानन नमाजे जनाजे पढ़ रहे हैं एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह ले जाते हैं दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाते हैं और लोग दूर 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 पढ़ा रहे हैं जनाजा हो गया इतने बड़े लोगों ने पढ़ लिया फिर बार बार गायबानन नमाजे जनाजा उसको प्रोटोकॉल देना नहीं आप दुआ मांगे बुखारी में हदीस है नबी इस्लाम को एक सबी की वफ़ात की खबर पहुँची आपने अपने हाथियों बुलंद किए कि आपकी बगलों की सफ़ेदी नज़र आई आपने कहा अबू आमिर को बख्श दिए और इसे कसिर मखलूक पे क्यामत के दिन फजीलतरमा ये दुआ ने तालीम फरमाई है जो भी बंदा मर जाए उसके लिए अल्लाह उसे बख्श दे और क्यामत दिन अपनी कसिर मखलूक़ पर फजीलत दे ये भी नहीं आती अल्लाह महफ़िल है ना पढ़ लें कोई सी दुआ पढ़ लें आम दुआ भी तो जनाजा चूँकि अब इस केस में तो बिल्कुल नहीं हुआ होता जाहिर है कि इधर जनाजा ही होना चाहिए हाँ जो गायबाना नमाजा जनाजा कबर पर पढ़ा जाता है ना वो आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं वो गायबाना नहीं होता वो कबर पर हो रहा होता है वो नबी इस्लाम की सुनत है कि वो मैयत नहीं है तो कबर सामने मौजूद है वह तो मैंने बताया बुखारी मुस्लिम आपने अपनी वफा से एक महीना पहले आपने फिर वहां पर खुतबा भी दिया था कि मुझे तुमसे अपने बाद यह खतरा नहीं कि तुम शिरप में मुबतला हो जाओ लेकिन मुझे खतरा है कि अल्लाह ताला दुनिया के खजाने तुम पे खोल देगा और तुम फिर दुनिया की मोहब्बत में फंस के एक दूसरे को कत्ल करोगे और उसी तरह बर्बाद कर दिए जाओगे जिस तरह अगली को मैं बर्बाद कर दी गई और बड़ा रिकत अंगेज खुतबा है ये मैंने करबला में डाला हुआ है सर इस हदीस की कोई शरह नहीं बयान कर सकता मैंने इसको बताया फिर कि इसकी शरह क्या है कि गजब अहद के, के कब्रस्तान में जाके हज़ूर ये खुतबा क्यों दे रहे हैं खुतबा तो होता है मस्जिदों के अंदर और आप क्या मैसेज दे रहे हैं मैसेज ये दिया कि ये अहद के मौका पर वो लोग दफन हैं जिन्होंने इस्लाम का बुरा वक्त देखा है और अपनी जान दी हैं इनकी कुर्बानियों का फल तुमने खाना है ये तो अल्लाह के पास जाके जन्नतों में अपना मुकाम बना चुके इन पर दुनिया के दहाने नहीं खोले गए थे इनकी इन जंगों की बरकत से रोमन और पर्शियन अम्पायर गिरनी है आपको तो रोमन और पर्शियन अम्पायर गिराते हुए बाद के लोग नज़र आ रहे हैं ना ग़बे बदर के मुजाहिदीन भी रोमन अम्पायर गिराने वाले हैं जिन्होंने ग्राउंड प्रोवाइड की है वरना तो इस्लाम को मज़बूती तो उन लोगों ने दी है ना शोदय उहद ने हमजा अब्दुल मुतलिब ने रदी अल्लाह तलाम तो हज़ूर ये मैसेज दे रहे थे कि देखो इन लोगों ने दुनिया से कोई हिस्सा नहीं लिया ये तो चले गए अब तुम लोग पीछे इनका फ्रूट खाओगे तो देखना एक दूसरे को कतल ना करना उसमें यह भी अल्फाज है मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे गर्दने मारना शुरू कर दो तो जूर को तो मतलब बता दिया गया था जंग जमन सिफीन अहरवान होगी तो और दूसरा अपल इस्लाम ने यह भी मैसेज दिया कि इसी गजब अहद में मैं तुम में मौजूद था अल्लाह ने क़ुरान में वादा भी किया था फ़तह का लेकिन तुमने डिसिप्लिन लूज़ किया मेरे भी दांत शहीद हुए और फ़तेह शिक्स में बदल गई तो जब मैं दुनिया से उठ जाऊँगा तो तुम फिर किस में तकिया करोगे अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की तो ये मैसेज भी था इसके अंदर तीसरा मैसेज ये था कि सबक राम ने मालिक गनीमत को जमा करने में जो बाहर दुनिया का एक माल था वो ख्वाहिश है कोई इजतादी तौर पर गलती लेकिन दूसरी तरफ बुखारी के अल्फाज हैं कि तुम देखो कि परिंदे हमारी तिक्का बोटियाँ उठा के लेके जा रहे हैं तब भी तुमने दर्रा नहीं छोड़ना फिर भी पचास में से पैंतीस ने दर्रा छोड़ दिया तो खालिद नवरीत जो काफरों की तरफ से आए थे पीछे से हमला करके नबील इस्लाम के भी दांत शहीद हुए फ़तः जो है अविश्क में बदल गई सत्तर के करीब साहबा शहीद हो गए मदीने में कोई घर नहीं था जिसमें कोई मैतना हो और मुसलमानों का बड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ कहां बद्र की कामयाबी और कहां औहद की नाकामी ठीक है बल वो एक ही नाकामी हुई है उसके बाद फिर मुसलमानों ने अपना डिसिप्लिन नहीं लूज किया ठीक है ना जैसे वो कहते हैं पूल का मैच हार गए फिर वर्ल्ड कप भी जीता है उन्होंने ये वाक्यात इंसान को लर्न करवाते हैं आप हमेशा पॉजिटिव चीजें इससे लर्न करते हैं कि अच्छा यार ये थोड़ा सा मिस हैंडलिंग हुई आप अपने आप को इंप्रूव करें कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ तो इस्लाम ने ये उनको ये बताया कि दुनिया की मोहब्बत छोटी सी एक एक्टिविटी गनीमत की ने अल्लाह के नबी मौजूद हैं तो फ़तेह कुछ कश्म बदल दिया है तो अब बाद में भी देखना दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होना ये तीन इसकी तश्रियात बनती हैं तो बहल इससे ये पता चल गया कि कब्र पर जा आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं उसको आप गईबाना तो वैसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि कबर सामने वजूद होती है अगर कोई कहना भी चाहता है तो चले कह ले तो अगर कबर लोकेट नहीं हो रही इस तरह के बच्चे को चूँकि वो इसी तरीके से ही दफना दिया जाता है तो फिर ज़ाहिर है कहीं भी खड़े हो के आप पढ़ सकते हैं अकेले भी पढ़ सकते हैं किसी मौलवी को बुलाने की ज़रूरत नहीं नबीम ने भी अकेले पढ़ा था तो नमाज जनाजा आप अकेले भी पढ़ सकते हैं और अभी तो लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है जो लोग किताबों सुनत के मरज में आए हैं ना बेचारों के घर वालों में से कोई फौत होता है तो वो उमूमन हनफ़ी मौलवी आते हैं वो तो नमाज जनाजा में सुरफ़ आते ही नहीं पढ़ते उनको टेंशन पड़ी रहती है यार जनाजा पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ तो ज़ाहिर आप खुद पढ़ लिया करें सुरफात्या दा नखास्ता आपकी डेथ होती है पीछे वाले आपको किसी ऐसे बंदे जनाजा पढ़ा देते तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कई सहाफा के तो जनाजे हुए ही नहीं है अल्लाह के हजूर ये जनाजा पढ़ना पिछलों की ड्यूटी होती है ये उनके ऊपर फर्ज होता है महत पर फर्ज नहीं होता कि उससे अल्लाह तुछे तेरा जनाजा पढ़ा गया कि नहीं ठीक है फर्ज कफाया किसके लिए कहा जाता है वो रसा के लिए पिछलों के लिए उसके लिए नहीं वह तो चला गया वह तो सर बुहारी के अल्फाज हैं कि मैयत अपनी चारपाई पर कलाम करती है मुझे जल्दी जल्दी कबर की तरफ ले जाओ जन्नत का इंतज़ार कर रही होती है वो और जो बुरी मैयत है वो कहती है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो और नबी साफ फरमाते हैं कि उसका ये चीखों पुकार इंस के अलावा हर मखलूक सुनती है अगर इंसान और जिन सुनें तो बेहोश हो जाए वाक़ जना अभी आप जरा इमेजिन करें कि घर से ये जो मैयत उठ रही है इसमें से बाज़ वो चीखें मारना शुरू कर दें कि मुझे ना कबर ले जाओ जनाब लोग बेहोश नहीं हो जाएंगे इमेजिन तो करें जरा इसको फिर तो खुल जाए ना हो सकता है आप तो मतलब हजारों बंदे किट्ठे में होंगे इनका जनाजा पढ़ के हम भी बख्से जाएं और वो हजरत साहब जो है वो चीख रहे हो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो आंदा तो किसी हजरत का जनाजा पढ़ रहे है। <laughs> रही देना चाट देखे ना ये ये अल्लाह ने बड़ा पर्दा रखा हुआ है सही बात है ये उसकी मेहरबानी है <laughs> बुजुर्गों की बुजुर्ग के पर्दा रखा हुआ है वरना आपको पता चल रही इनका तो जहाँ ही कुछ हो रहा है ठीक है ये तो उस जहाँ में नहीं जा रहे ये इस जहाँ से किसी और जहाँ में जा रहे हैं ठीक है ये अल्लाह ने यकीन करे पर्दा रखा अल्लाह ताला दुनिया और आखरत में हमारे गुनाहों पर पर्दा रखे हमें बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला था फिर आमी शुम आम जदाकुमल ख़ैरा अली भाई अगला सवाल है मैं एक स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझे दीन इस्लाम की तबलीग का भी बहुत शौक़ है अली भाई की वजह से अल्लाह ताली ने मुझे हदायत दी वरना मेरी हालत तो ये थी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद दीन इस्लाम से नावाफ़ था अब मुझे एहसास हुआ है और मैंने अली भाई की वीडियोस का एक न्यू चैनल बनाया है प्लीज़ उस चैनल को प्रमोट कर दें चैनल का लिंक भी सेंड कर रहा हूँ यार ये इस तरह के इम्तहान में मैंने डाला करें अब तो बेशुमार चैनल्स बन चुके हैं आप खुद दावत का काम करें प्लस चैनल के ऊपर ज़ोर देने के बजाय ना आप उन वीडियोस से लर्न करके ना अपना इल्म को इनहानस करने की बढ़ाने की कोशिश करें इसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज़ करें अब मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे चैनल्स हैं उन्होंने मिनो ऑन हमारे ऑफिशियल चैनल की वीडियोस डाउनलोड की हैं थंबनेल भी वही लगा दिए हैं इससे कन्फ्यूजन हो जाती है आपने अगर कोई वीडियो अपलोड करनी है ज़रा डिफरेंट टाइटल से अपलोड करें थम बनाना भी दो तीन सॉफ्टवेयर हैं वो आप सीख लें आसान है अगर किसी को शौक़ है बाकी प्रमोशन वाला करेंगे एक को करूँगा दूसरे को करना पड़ जाएगा तीसरे को करना पड़ जाएगा चौथे को करना पड़ जाएगा और फिर बाजात मुझे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ जाता है हम यानी अपनी वीडियोस के अतबार से भी थंबनेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने ऑफिशियल चैनल को यानी ऑन कर रहे हैं जिसके तकरीबन इस वक्त वन मिलियन और सेवेंटी थाउजेंड हो चुके हैं सब्सक्राइबर अलहमदिल्ला और उसमें मैं सिर्फ अपने बोली हुई बातों का पाबंद हूँ अगर थम नेल कोई तस्वीर गलत लग गई है या उसके ऊपर कोई उर्दू के अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं है उसके कोई पाबंद नहीं ना इस तरह की बारीकियों में पढ़ा करें आप हाई ज़रूर करें अगर जब इस तरह की कोई चीज़ें हाईलाइट होती हैं उसको चेंज कर देते हैं अभी पिछले दिनों हमारी एक वीडियो चढ़ी थी मुर्दा बच्चे का जनाजा तो उसमें हमने एक किसी एक समझ लें ग्राउंड के अंदर सब्जे के ऊपर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ वो उसको थंबनेल में लगाया और वो बेसिकली मैसेज ये देना था कि लोग इसी तरीके से बच्चों को फेंक देते हैं आप अगर कहीं दफना के भी चले जाते हैं तो कुत्ते बिले निकाल लेंगे क्योंकि आपने प्रोटोकॉल से तो उसको दफनाया नहीं हुआ पूरे गहरी कबर तो खोदी नहीं हुई है तो वो लोग कह रहे हैं जी इससे ये मैसेज जा रहा है ये कोई मतलब कोई यानी आउट ऑफ वेड लॉक पैदा हुआ हुआ कोई बच्चा है जिसको कोई माँ बाप ऑन नहीं कर रहे हैं तो इस तरह का मैसेज आप आपने दिया हालाँकि मैसेज देना मकसद नहीं था बताना ये था कि आप भी अपने बच्चे के साथ बेसिकली यही कर रहे हैं जब उसको बगैर जनाजे के आप दफना रहे हैं कि जिस तरह कोई जानवर का बच्चा कहीं पर फेंक दिया आपने चाहे वो खोद के फेंका है या बाहर फेंका है कब्रस्तान में नहीं दफनाते वो और दफनाए भी तो उसकी कब्री का निशान बाकी नहीं रखते खैर वो जब फीडबैक मिली तो हमने उसको चेंज करवा दिया इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो चेंज कर देते हैं तो चैनल आप हमारी तरफ से इजाज़त है जितने लोग भी चैनल्स बना रहे हैं अगर उन्होंने मोनेटाइज करना है तो कोई वीडियो इश्तहार लगाने की इजाज़त नहीं है उसके सिवा भी आप स्क्रूटनिंग करके सिर्फ जे पी जीज वाले इश्तिहार अगर लगाते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है इसके ऊपर आप लोग दावत के हवाले से अगर करना चाहते हैं इस तरीके से काम ज़रूर करें बल्कि हमारे अलावा तो कोई इजाज़त नहीं देता आप देख लें मौलाना तारज मीर साहब अल्लाह का भी अब जब से ऑफिशियल चैनल बने वो लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं चैनल बनाने का इवन जो बड़े बड़े चैनल्स जिन्होंने उनके ऊपर इतना कुछ लाखों रुपए कमा के मतलब अपने यानी कितने धंधे चलाए उनसे भी सारी वीडियोस डिलीट करवा दी दिए उन्होंने लिया है कि उनसे मैंने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि आपके चैनल के ऊपर वीडियो इश्तहार चल रहे हैं उन्होंने उतरवा दिए थे उन बेचारों को तो पता ही नहीं था अब फिर पिछलों ने चला दिया अपने एक दफ़ा ही हाईलाइट कर सकते थे तो अब अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो मेरा ख़्याल इस्लाम की बदनामी होती है पहले लोगों के पास दीन के लिए टाइम नहीं है बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के वो एक वीडियो को क्लिक करते हैं तो साम सामने एक बेपर्दा औरत जो है वो नाचती भी आ जाए तो वो लानते हैं उस वक्त भेजेंगे ना कि यार ये तो ये कमाई करने के लिए इसने ये काम शुरू किया है और फिर वो स्किप ऐड करना पड़ता है तीन चार सेकंड के बाद तो वो एक कोफ्त होती है वीडियो हमारी कोई ऐसी अपलोड ना करें जिस जिसपे कोई वीडियो इश्तहार हो जो क्लिक करे उसको डायरेक्टली वो क्लिप चलना चाहिए और हमारे ऑफिशियल चैनल की आप क्लिप्स को डाउनलोड करके मिनो उस तरीके से अपलोड ना किया करें नए थंबनेल बनाएं नई हेडिंग्स बनाएं कुछ कटिंग करके नए क्लिप्स बनाएं बजाए कि उसको मिनो करें कोई धींग की खिदमत नहीं वो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है जिस तरह हमारे ये भाई कर रहे हैं ट्रू मुस्लिम वाले मुस्लिम ओनली वाले और हदाय पोर्टल वाले अंडरस्टैंड इस्लाम वाले वो वही वीडियोस होती हैं उनको डिफरेंट उसमें से जो पॉइंट्स की बातें अलग करके उसको डिफरेंट स्टाइल में थंबनेल्स बना के अपलोड करते हैं तो वो फ़ायदा हो रहा है इस तरह फिर दीन का फ़ायदा होगा अदरवाइज खाली आप समझते हैं मैंने वीडियो चढ़ा दिया है तो वो व्यूअरशिप इस तरीके से नहीं आती है और ये डिफरेंट का मतलब कतन ये नहीं है कि आप उसमें कोई ऊटपटांग किस्म की हेडिंग बना दें पिछले दिनों एक बंदे ने बेवकूफ़ी करके ना वो जो तीन तीन साल पहले जो एक मेरे साथ एक सानिया हुआ था वो उसके हाले से उसने लगाया तो वो जनाब इधर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए शायद कोई दोबारा वाक्य हो गया ठीक है जी और अजीब गरीब उसने वो एडिटिंग करके तो मेरी तस्वीर लगा दी उसके ऊपर ये बिल्कुल गलत है और उसी चैनल वाले ने एक और बेवकूफ़ी की है मैंने वो वन मिलियन सब्सक्राइबर पूरा उन्होंने के ऊपर बताया कि हमने आज तक कभी नहीं कहा कि जी चैनल को आप सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबा दें ये कुछ हमने कभी नहीं कहा उसने मेरे यही अल्फाज काट लिए और हर वीडियो के शुरू में चलाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हालांकि वो मैंने जिस अंदाज में कहा है वो भी सुनने वाले को पता चलता है कि मैं तंजिया कह रहा हूँ लेकिन वो हर वीडियो से शुरू पे वो एक मोबाइल दिखाता है जिसमें मेरा वो क्लिप चलाता है यानी जो मैंने रोना पीटना किया था वो वही उसने काम कर दिया तो ये कौन सी दिन की खिदमत हो रही है हालांकि हमारे लिए इस तरह के चैनल्स को डिलीट कराना कोई मसला नहीं है सिर्फ तीन स्ट्राइक भेजनी है एक हफ्ते के अंदर चैनल उड़ जाता है जब तक हम वो स्ट्राइक वापस ना ले लें लेकिन मैंने अभी तक कोई चैनल इस एतबार से नहीं उड़वाया हाँ शुरू में एक दो चैनल्स ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें की थी वो हमने उस वक्त किया और वो जो इस तरह की तोड़ मोड़ के चीज़ें पेश करेगा तो वो तो गलत हरकत कर रहा है ना और आप देख रहे हैं कि किस तरह उलमा की बदनामी हो रही है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें पेश करते हैं पहले तो ये लोग प्रोपोगंडा कर लेते थे कि जो मेरी उससे बात हुई उसने मुझे ये कहा अब वो ये कहेंगे कि उसने ये कहा वो लोग पूछेंगे कि सर कहा वो कहेंगे इस वीडियो में लोग कहेंगे ये तो वीडियो पूरी यूँ थी लोग खुद ही जवाब दे देते हैं अब लोगों के साथ आप धोखा नहीं कर सकते पहले बहुत धोखे हुए हैं और बड़े बड़े मुहदसन को बदनाम किया गया जब तक आप उनकी किताबें ना पढ़ लें ये इमाम हाकिम निशा पूरी हैं अभी तक जो बंदी जब मुनाजरा आने लगते हैं ना तो कहते हैं है हालांकि है। उनको पता है सुननी है अजरत बकर की शान में सैकड़ों दिसें उसने ली हुई हैं उस्मान उस्मानी ठीक है और सिर्फ इस दिए कि उसने हज़रत अली की स्पॉट में दिसें जमा किए हैं जमल सिफ़ी नरवान के अतबार से तो जब वो दूसरे टिकट का मज़ा लेना होता है तो वो शिया कह देते हैं इल्जाम लगा देते हैं इमाम नसाई को उनकी ज़िंदगी में शिया होने का ब्लेम किया गया आज हमारे पास इमाम नसाई या हाकिम की वीडियोज़ होती ना वल्ला तो उनके ज़माने में जो बड़े बड़े लोगों ने उन पर माल लगाए हैं ना उनके मुँह पर वो कालक माल दी जाती है इसीलिए मैं कहता हूँ आज के बाद जब से वीडियोस आना शुरू हुई यूट्यूब की ना बुरा बंदा मरेगा ना अच्छा बंदा मरेगा अपनी वीडियोस में वजिंदा रहेगा मौलाना साग साहब के ऊपर कितने कितने झूठे इन्होंने कटिंग करके ने फतवे दिए जनाब जब वो उनके हम ओरिजिनल वीडियोस चढ़ाते हैं लोगों को पता चल जाता है यार ये तो ये बात ही नहीं की थी तो कुछ और बात की थी इस तरह अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स बातें काटना शुरू कर दें या किसी ने कोई तंज और मजाक के तौर पर कोई बात की है और आप उसको उसका ओरिजिनल अकीदा बना के पेश करना शुरू कर दें और कह दें कि ये तो गुस्ताखी हो गई है ये बात करना तो फिर तो सर कोई बंदा नहीं बचता अब कुरान में लिखा है ये कैसा नबी है बाजारों में चलता है और खाना खाता है तुम तो पैरवी नहीं कर रहे मगर ऐसे शख्स की जिसपे जादू हुआ है अब ये अल्लाह ने काफरों का नकल किया है। अब कोई इसको काटे और कहे जी ये कुरान में ही लिखा हुआ है तो सर फिर अगर अल्लाह की किताब इस तरह के फितरों से आज़ाद नहीं हो सकती जब तक आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाला वो वा फ़र्क ना करें तो दुनिया में तो कोई इंसान भी आउट ऑफ कंटेक्सट तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं अगर दुनिया में वो किताब थी ना जो आउट ऑफ कंटेक्सट वाली जो इस फितने से आज़ाद हो सकती इस आजमाइश से तो वो अल्लाह की किताब थी लेकिन वो भी कॉन्टेक्स्ट के साथ है इसलिए देखें कितनी मोटी किताब है मैं अक्सर लोग कहते हैं नहीं आपका लेक्चर जो है वो टॉपिक होता है आप तीन मिनट में बता दिया करें तीन मिनट में जो लोग बता रहे हैं ना उन्होंने तो आपका बेड़ा गर्क किया है आज तक आपने उनसे पूछा है कहाँ लिखा हुआ है तीन मिनट में तो आपको यही बताया जाएगा कि सुरैया इस तारा है और वो आता है तो कोरोना चला जाता है तो वो तो सर हम पच्चीस मिनट में बताएंगे ना कि उस तारे का मतलब क्या लिया है और वो क्या था क्या मौसम की वो पेश थी क्या सिलसिला था तो उसके लिए फिर जब अल्लाह को अपनी बात समझाने के लिए ये आलमोस्ट पांच सौ सफों की किताब चाहिए ना अल्लाह तो पांच अल्फाज में भी समझा सकता है क्यों ही इतने हैं तो आपके उल्माने भी इतने सारे छुड़ें मारी हुई हैं कि हमें वो समेटने के लिए पूरी बात बतानी पड़ती है तो लिहाजा यह चैनल बनाने की इजाजत है लेकिन हमारे वीडियोज को आप डिस्टर्ब ना करें उसमें से अलादा से आप खुद वीडियोस बनाए और दूसरा ऑफिशियल चैनल के सिवा किसी चैनल को इजाजत नहीं है कि वो हंड्रेड नंबर से ऊपर वाली मजालस के कोई क्लिप्स बनाए स्ट्रिक्टली हमने सबको बता दिया पहली सौ मजलिस में इतने क्लिप्स बनते हैं कि ये सारे चैनल्स वाले आमदा बीस साल तक भी क्लिप बनाते वो खत्म नहीं होने ज़ाहिर है हम तो घंटों बोलते हैं और आलमोस्ट सब कुछ कवर है सौ से ऊपर जो मजालि हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर क्रिटिकल जो टॉपिक है उसका क्लिप ऑफिशियल चैनल से अपलोड हो वरना कन्फ्लिक्ट आ जाता है फिर उसमें ठीक हो गया ठीक हो होगी ज़रा खैर अली भाई अगला सवाल है सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में एक हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं इतनी मदत कैदखाने में गुजारता जितनी मदत हजरत यूसुफ यूसफ्लम को गुजारना पड़ी तो मैं बुलाने वाले की बात ज़रूर मान लेता प्लीज़ आप सलाम के इस फरमान की तशरी फरमा दें देखिए इसकी तशरी यह है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजज़ी का इजहार किया है आपकी मुबारक आदत थी कि आप अपने आप को बढ़ाते नहीं थे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाउन टू अर्थ थे ये इशारा है उस वाक़े की तरफ जो सूरह यूसुफ़ में आया कि जब यूसुफ यूसफ़ नौ साल क़ैद में थे और बादशाह ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर का जब इशू उठा तो वो जो कैदी आजाद हुआ हुआ था जिसको नौ साल पहले यूसुफ इस्लाम ने कहा था कि तुम अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना और शैतान ने उसे जिक्र बुला दिया उसको आया कि ओह वो तो शख्सियत वहाँ पर मौजूद है जो बता सकती हैं ताबीर तो वो हजरत यूसुफ यूसफ्लाम के पास आया और कहा कि मैंने आपसे ताबीर पूछनी है और कहा कि मुझे शैतान ने बुला दिया था तो बादशाह कह कह रहे मेरे पास ले आओ तो उन्होंने कहा मैं बादशाह के पास उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक कि जिन औरतों ने मेरे ऊपर झूठा ब्लेम लगाया था वो क्लैरिफिकेशन ना दें कि वो झूठा इल्ज़ाम ही था ठीक है तो फिर बादशाह ने उन औरतों को लाइन आज़र किया उन्होंने मान लिया कि यूसफ़ एक करेक्टर वाले आदमी थे हमने ही गलत किया था और जो हाथ काटने वाला वाक़ हुआ था वो पूरे का पूरा उसमें डिस्कस होता है पाँ नंबर बारह के एंड पे जाके आलमोस्ट ये आयात आती हैं इस्लाम ने कहा कि भाई हज़र इस्लाम के सबर को दाँत है कि नौ साल बगैर किसी वजह के जेल काटी और जब जेल से निकलने की बारी आई तो गैरत ऐसी जागी कि नहीं निकलूँगा जब तक मेरा इल्ज़ाम मुझसे दूर ना हो और इस्लाम ने अपनी यह आर्जी का इजहार किया कि मैं उनकी जगह होता तो मैं इतनी रिटिक रिटिज में ना पढ़ता मैं जेल से जान छोड़ाता कि यार इस जेल से तो जान छोड़े हज़र यूसफिला इतने गैरतमंद थे और अपने उस मौक़ के ऊपर इतने डटे हुए थे उन्होंने कहा मैं जेल खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं पहले मुझे क्लियर करो तो ये नबील इस्साम ने उनकी तारीफ की है सही बुखारी में हदीस है नबी इस्सम ने फरमाया करीम इबन करीम इबन करीम इबन करीम यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम तो नबीसम की मुबारक आदत थी कि आप अम्बी कराम के लिए इस तरह के जज्वी फजाइल जो अल्लाह ने उनको दिए हैं वो बयान किया करते थे बुखारी मस्लिम में अदीस है क्यामत वाले दिन सब के सब लोग बरहना उठाए जाएंगे, सबसे पहले इब्राहिम स्ल्लाम को लिबास पहनाया जाएगा बुखारी मस्लिम दोनों में हदीस है एक यहूदी और मुसलमान का झगड़ा हुआ यहूदी ने कहा कि अल्लाह तला ने मूसर इस्लाम को तमाम जहान वालों पर वजीलत दी है मुसलमान ने कहा नबीसम को वजीरत दी है दोनों का झगड़ा हुआ मुसलमान ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया यहूदी को वो मुकदमा लेके नबीम के पास आया आपने फ़रमाया मुझे यूनुस के ऊपर भी फजीत मत दो यूनुस वो है जिन अल्लाह ताला ने ग्रिफ्त फरमाई है तीन दिन और तीन रात तक मछली के पेट में रहे सूर्य असाफात में आया कि अगर वो अंधेरों में हमें ना पुकारते हैं तो उसी दिन मछली के पेट से निकाले जाते हैं जिस दिन मुर्दे अपनी कबरों से निकलेंगे और सूर्य लंबिया में वो दुआ आई है ला इलाता सुबह नका इन्नी कुल तुम्हें तो नबील इस्लाम कह रहे हैं मुझे यूनस में भी फजीरत मत दो फिर आपने कहा कि मूसा की तो ये शान है कि क्यामत वाले दिन सबसे पहले अल्लाह तारा मुझे उठाएगा और मैं देखूंगा कि मूसा इस्लाम मुझसे पहले ही अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए खड़े हैं मुझे नहीं पता उन परियामत की बेहोशी नहीं तारी हुई उस बेहोशी के सब जो दुनिया में कोहे तूर वाली जो उन्होंने देखने की ख्वाहिश की थी उसके बदले अल्लाह तारा उन पर क्यामत की बेहोशी नहीं करेगा या मुझसे पहले ही अल्लाह उनको उठा लेगा यानी ये उनकी फजीलत जजवी फजीलतम ने बयान कर दी तो ये आपकी मुबारक आदत थी आप इस तरह के अल्फाज बयान करते थे तो इसकी तशरी ये थी यानी दोनों ऑप्शन अपनी जगह मौजूद हैं ज़ाहिर एक बेकसू बेकसूर शख्स को ये हक़ हासिल है जब उसका परवाना निकले तो निकल जाए दूसरी तरफ अगर वो ये समझता है कि नहीं मुझे ये माने पहले कि गलत क़ैद किया था तो यह अला तरीन दर्जा है तो नबील अस्ताम ने यूसफ की तारीफ़ की कि जवानी के नौ साल आप जिससे छीन लें ठीक है तो वो शखर करें और बगैर किसी वजह के उल्टा साजिश दूसरे लोगों ने की हो आज की जेल काटना मुश्किल है उस ज़माने की जेलें क्या हुआ करती थी तो ये पैगंबर ही है ना जिनको जिनका ये हौसला है कि अल्लाह तला ने उनको हौसला दिया है बल्कि उन्होंने तो दुआ की थी अल्लाह औरतें जिस बुराई की तरह मुझे बुला रही हैं इससे बेहतर है, है कि मैं जेल ही काट लूँ तो उन्होंने समझा जेल में मुझे ये प्रोटेक्शन है कम अज़ कम औरतों के फितने से बच जाऊँगा और आपको जेल ही काटनी पड़ती औरतों के फितने से बचने के लिए सिर्फ छुपी दोस्तियां खत्म करनी पड़ती हैं निगाहों की बात करनी पड़ती है लोग तैयार नहीं होते यूसुफ इस्लाम ने तो जेल काटना गवारा कर ली वैसे जो लोग कहते हैं ना कि हमसे बदनिगाही वाला मसला है तो इन सारों को जेल में डालना चाहिए और यकीन करो पाकिस्तान की जेल इच, मच्छर जे, एक दिन ही सारी बदनिगाही भोग तो जाएगी जे लोग तो कहते हैं लोग शायद जेल से समझते हैं जो ये फिल्मों में जेलें देखते हैं सर जेल में एक दिन गुजारना ना पंखा ना खाना दुरुस्त मच्छर टॉयलेट भी साइड पे अंदर में ही, साइड पे ही जगह ओपन बनी हुई हो बदबू भी आ रही हो आप इमेजिन नहीं कर सकते उस माहौल को इसीलिए आप देखते हैं ना जो लोग आठ दस दिन निकाल के आ जाते हैं ना जरा उनसे जरा पूछें, कोई बहुत बेगैर तो बात है छोटे मोटे बंदे कहते हैं तोबा तोबा जी वो खेल के तो इंटरव्यूज वगैरह छपे हैं वो कहते हैं आपको गाली देता है ना आप उसको कि यार दो और देते हैं मैं तेरे से हाथ नहीं झुकड़ा क्योंकि बाद में जो मैंने जेल काट रही है ना तो गाल नहीं और देना ठीक हो गए जो अली भी अगला सवाल है हमारे उसमा भाई की तरफ से एक सजेशन है कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की एक नई सीरियल शुरू की जाए जिसका रखा जाए किताबों का खुदा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया एक घंटा हो जिसमें किसी एक क्रिटिकल टॉपिक पर अली भाई से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए ताकि वाम को उस टॉपिक पर सैर हासिल मालूम हासिल हो सके। देखिए जी इस तरह की कई एक कोशिशें पहले हो चुकी हैं मुख्तलिफ़ारमेट्स के अंदर ये मेरे जो मसला नंबर रिकॉर्ड हुए हैं आपको नहीं पता कितनी मैंने मेहनत की है हर चीज़ पैड्स के ऊपर लिख के आज मैं जब वो वीडियोस देखता हूँ ना मैं को मुझे दोबारा रिकॉर्ड कराने पड़े ना तो मेरे कानों से धुआं निकलता है जितना नॉलेज उसमें जमा किया था हर एंगल से वो सारी किताबें पढ़ के सारे उलमा को सुन के सबके दलाए सामने रख के एक एक करके चीज़ रिकॉर्ड की अच्छा उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन का जो सिलसिला वन टू वन क्रॉस क्वेश्चनिंग का शुरू हुआ ना ये शुरू किया था अली आसन नकवी साहब की वजह से शुरू हुआ क्योंकि वो एक ऐसे एंकर पर्सन है जिनको कंपेरेटिव स्टडी सारे मुकादम फ़िक्र की है और से उनके रबते हैं तो उनके साथ मेरी जितनी पाँच पाँच घंटे की कई एक क्वेश्चन आंसर से सेशन है वो सब फिल बध दी हैं लोग समझते हैं शायद ये कोई मतलब प्री प्लान मैंने को उनको बताया होता है कि ये लेना है सवाल आपने वो हमारे मजलिस के सवाल होते हैं और वो उसमें ये नहीं होता कि जी, मजलिस आप लोगों को तो पता है मैंने सिवाए कोई एक आध क्रिटिकल सवाल हो उसके दो चार पॉइंट्स मैंने लिखे होते हैं अदरवाइज़ मैं फ़िल ब जो उस वक्त अल्लाह तला गाइड करता है इस हवाले से कि शर सदर हो जाए मैं बातें बयान कर देता हूँ तो अली नकवी साहब के साथ तो जितने सवाल हुए हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से थे चाहे वो बोल टीवी वाला आप देख लें और इसके अलावा करबला के ऊपर पाँच घंटे की मजलिस है वन फिफ्टी सेवन ए और बी बोल टी वी वाली वन सेवनटी एट मसला वन सेवेंटी फाइव ए और बी कितने वो सब वन टू वन है उसमें आलमोस्ट सारे क्रिटिकल टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो इस वक्त प्रेजेंट वर्ल्ड के हैं उसके बाद जब मजाले शुरू हुई हैं तो वो हम लोगों को बंद करते हैं जो सवाल लिखा है वो आपने करना है कि ये सवाल किसी का आया हुआ है बाकी जो आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है अल्लाह के फजल से मैं जब सवाल के जवाब में बोलता हूं तो मैं दो मिनट का तो जवाब नहीं देता आपने जो क्रॉस क्वेश्चन करना था या आपके दिमाग में भी नहीं आया वीडियो में किसी ने कर लेना था मैं अपने जवाब में पहले ही उसे कवर कर देता हूं इसलिए जरूरत नहीं पड़ती तो ये जो उसमाबाई की सजेशन थी ये अपनी जगह इसको हम ऑनर करते हैं अदरवाइज ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से उन टॉपिक्स को डिफरेंट स्टाइल के अंदर अगर लेके आना है तो मैं तो तैयार हूं कोई एक टॉपिक रख लिया जाए वैसे तो सारी के सारी वीडियोस देख के आपके अंदर से एक ही आवाज निकलेगी कि वाकई यार मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और, और ये बजरिस नंबर हंड्रेड किताबों का खुदा और बाबों का खुदा उसमें ऑलमोस्ट पचास वो समझ लें पचास किस्तें तो रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं ना पचास टॉपिक्स हैं अब तो नया भी अर्ज कर दिया इसमें जी इसी का एक नया वर्जन आया है वो एक बुजुर्गों ने हमारे बाद में कहा था ना कि जी इसको क्या पता बाबा क्या होता है बाबे का एक वखरा जहाँ होता है उसका अपने जहाँ में एक जहाँ होता है तो उसी से ही यानी एक चीज पिक हुई कि यार ये जो हम कहते हैं ना मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पर गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और तो इसी काफिए के ऊपर एक और शेर भी बन जाता है इस एतबार से कि कहने को तो दी सब का इस्लाम है लेकिन सूफी भी कहते हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं सल्फी भी कहते हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं सुन्नी भी कहते हैं शिया भी कहते हैं और आप शूट साहब ले लें बरेलवी देवबंदी एल सब के सब कहते हैं कहने को तो दी सब का इस्लाम है लेकिन किताबों का जहां और है बाबों का जहां और ये किताबों का जहां तो बहरअल इन सारी चीजों की बात आपके अंदर से आवाज निकलती है कि ना मैं बा ना मैं बाबी मैं हूं मुस्लिम इलमी किताबी तो ये सजेशन इंशाल्लाह हम इसको अकोमोडेट करेंगे इसमें टॉपिक्स वगैरह आप चूज कर लें तो आ जाए मुझे तो कोई नहीं है बल्कि ये हमारी जो मजालस की रिकॉर्डिंग का सिलसिला तो 18 मार्च 2018 को शुरू है ना तो बमश्क इसको आप समझ लें दो साल और कुछ अरसा ही ऊपर गुजरा है ना हजारों सवाल रिकॉर्ड हो चुके हैं और 18 मार्च 2018 से पहले जो 10 साल थे ना उन 10 साल में मैं रोजाना तीन तीन चार चार घंटे यहाँ बोलता था जिनकी रिकॉर्डिंग ही कोई नहीं है वो सारी इस तरह ही फिलबदी थी ना तो फिलबदी वाला भी शौक किसी ने पूरा करना है आ जाए कर लेंगे इनशाला चूंकि हमारा तो अब ये चुके टीचिंग की फील्ड है तो जवाब मैं इतना डिटेल्ड इसीलिए देता हूं कि अगर कोई ये कहे तो फिर ये हो जाएगा तो फिर उसमें यह भी सोचेगा तो मैं ये भी पहले बोल दूं जो आपने क्रॉस क्वेश्चन करना है वो पहले ही कवर कर देता हूँ तो फिर अली नकवी साहब की तरह किसी की सही तैयारी हो कोई एंकर हो तो ना। आ जाए जनाब बिल्कुल आगे करें इनशाला हम इसको देखते हैं बाकी एक घंटे वाला जो मामला है ना एक घंटे में आप छोटा मोटा टॉपिक तो कवर कर सकते हैं बड़े अब आपके हयातो नबी एक घंटे में कवर हो पांच घंटे चाहिए द्रु शरीफ चार से पांच घंटे चाहिए क्योंकि मुआशरे में प्रॉब्लम्स ही इतने हैं सर जिस मुल्क में साइम चिश्ती साहब ने ग्यारह सो सफ़े की किताब लिख दी हो ग्यारहवीं शरीफ के प्रूफ पे ग्यारह सौ कह रहे हैं कि हम ग्यारहवीं शरीफ के ऊपर एक घंटे का सेशन रख लें एक घंटे में तो ग्यारह सफ़े पढ़ना और उसमें जो शेडूलें मार हैं उनके जवाब देने में ही लग जाएगा ठीक है हा, हाँ मोटी मोटी डॉक्टरें क्लियर हो जाती है और वो ऑलरेडी आपने अगर डिटेल देखने तो मसला नंबर देख लें तमाम टॉपिक्स उसमें कवर हुए हुए हैं ठीक हो है ज़ाकमिल अली भी अगला सवाल है मुझे आपके ज़रिए उमर सीरीज़ का तारफ़ हुआ है लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद यूट्यूब पर उर्दू डबिंग वाली उमर सीरीज नहीं मिल रही प्लीज़ इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें देखिए जी ये क्वारंटीन का जो आपका इस वक्त ज़िंदगी का हिस्सा गुजर रहा है और ऊपर से नूर अला नूर रमज़ान शिव का महीना भी आ गया है शैतान भी क़ैद है दिल भी नेकियों की तरफ मायल होता है तो मैं सबसे कहूँगा कि इस रमज़ान में उर्दू डबिंग वाली उमर सीरीज़ एक दफ़ा देख लें और वो देखने से पहले मेरा एक उम्र सीरीज़ के तारुफ़ के ऊपर आलमोस्ट फोर्टी फोर मिनट की वीडियो है यूट्यूब पे वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की रेवोल्यूशन एलान नबूत से छः साल पहले से लेकर रोमन और पर्शियन अम्पायर के गिरने तक टिल सैदना उमर की शहादत तक ये पूरे का पूरा हिस्सा इसके मेजॉरिटी पोर्शन उन्होंने उमर सीरीज़ में कतर वालों ने तीस एक साथ के ऊपर अल सुन्नत में जो बड़े बड़े हैं डॉक्टर अली सलाबी और उनके उस्ताद यूसुफ़ अलकरवी उन वो कंसल्टेंसी उन्होंने दी है वो फिल्म आ दिया उन्होंने और पिक्चराइजेशन और किरदार जो उन्होंने चूज़ किए कमाल काम किया चंद एक चीज़ों से आपको खिलाफ हो सकता है YouTube के ऊपर मैंने उस तारुफ में बताया था कि वो एम वाली जो कंपनी ने ये बनाया है उन्होंने अपने राइट्स रखे हुए हैं वो आप छोटा सा भी क्लिप अपलोड करें वो उड़ा देती यूट्यूब उसे कापी राइट्स के चक्कर में YouTube के ऊपर तो वो आप चढ़ाने से रहे हमने Google Drive में उसे रखा हुआ है और कल मेरी बात हुई थी आज मुझे बल्कि मैसेज भी आ गया आज उन्होंने ऑन एयर कर दिया है आप हमारी वेबसाइट एल सुन्नत पाक डॉट कॉम पर जाएँ वीडियो लेक्चर्स वाले पोर्शन में ही ये चीज़ होगी ना बुक्स एंड सर्च पेपर्स में तो नहीं होगी ना अल कुरान और अल हदीस में होगी ना कॉन्टैक्ट अस में होगी वीडियो लेक्चर्स में वीडियो लेक्चर्स में इस वक्त आखिरी ऑप्शन आ रहा है एक इस्लामिक मूवीज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ उसको आप क्लिक करेंगे उसमें आपको उमर सीरीज़ उर्दू डबिंग वाली का मुकम्मल आपको लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव से आर्काइव के ऊपर जो रखी हुई आर्काइव पर ही रखी हुई है ना आर्काइव से वो डायरेक्ट डाउनलोड आप कर लें इसके अलावा भी जो इस्लामिक मूवीज़ हैं जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है वो हम रख देंगे और जिनके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबिलिटी है उनके लिंक्स डाल देंगे इसको इन शाला अब हम अपडेट करते हैं तो अब लोगों की आसानी के खातर ये डबिंग वाला भी आ गया है वैसे मेरा अपना मशवरा है आप ये उर्दू वाला ज़रूर एक दफ़ा देखें उसके बाद आप अरबी वाला भी इंग्लिश सब टाइटल के साथ भी देखें जो अरबी में उसका मज़ा है ना वो इससे ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा जिन लोगों को अरबी नहीं आती तो वो उनको रोक रोक के नीचे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी लेकिन वो एक्सप्रेशन मैं चाह रहा हूँ आप फील करें अरबियों की गुफ्तू का जो स्टाइल है और ऐसी कमाल उन्होंने डायलाग लिखे हैं चूँकि अरब के लोग जैसे कुरान नाजिल हुआ था उन्होंने कुरान के अल्फाज यूज़ किया करते थे तो आप देखेंगे वो पूरी कुरानिक अरबी है बड़ी आसान अरबी आपको फ़ील हो रहा होता है जो उन्होंने डायलाग्स यूज़ किए हैं उसमें बाकी उर्दू डबिंग वाला भी कमाल वो इस्लामिक पीडिया वालों ने काम किया है इस्लामिक पीडिया डॉट आई एन वालों ने उस पर भी रखा हुआ है बाकी अब आप चले जाएं आप डाउनलोड करें और ये तीस एक साथ रमज़ान शरीफ में ज़रूर देखें पूरा दिन फ़ारग हैं तो टाइम निकालें एक एक यानी किस्त रोज़ाना की देखें तो तीस एक साथ में आपको पता चल जाएगा और ये देखने के बाद आप मल्ले के मुफ़्ती साहब ये लामा साहब के पास जाके उनसे ज़रा पूछिएगा कि इस्लामिक हिस्ट्री क्या है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास उनसे ज़्यादा नॉलेज आ गया क्योंकि तो देखने से पचास फ़ीसद चीज़ें रिटेन हो जाती हैं दिमाग में सुनने से पंद्रह फ़ीसद होती हैं और पढ़ने से सिर्फ पाँच से दस फ़ीसद वो तो आपको उस रेवोल्यूशन में ले जाएगा और आपको पता चलेगा कि सहावे कराम ने कितनी कुर्बानियों से ये दीन हम तक पहुँचाया है ये उसके बगैर आप एहसास नहीं कर सकते उम्र सीढ़ी ज़रूर देखें आप अपने लिंक भी डाल दिए जी पहले वो कहते थे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में रबाता करते हैं कभी फेसबुक पे जाना पड़ता है मुसीबत पड़ जाती है अब जनाब आप सीधा सुनत पाक डॉट कॉम पर जाएँ वीडियो लेक्चर्स वाले आखिरी पोर्शन है उसमें इस्लामिक मूवीज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ को क्लिक करें तो सामने आ जाएगी उम्र सीरीज ठीक हो गई जिसको खैर अली भाई आज का आखिरी सवाल है रमज़ानमबारक चौदह सौ इकतालीस हिजरी के आगाज़ में एक से दो दिन बाकी हैं प्लीज़ इस हवाले से कोई वीडियो लैक्चर्स हों तो उनके नंबर्स बता दें शुक्रिया सलाम मैलिक वरम वकू देखिए जी मैंने 2017 के अंदर ना रमज़ान मुबारक से रिलेटेड पांच लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा दिए थे निटी ग्रिटीज तक चालीस से ज़्यादा टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उसकी फिर मज़ीद जो फ़िकी अहकाम मसाइल थे ना आलमोस्ट डेढ़ डेढ़ घंटे की पांच मजालस यहाँ पे हुई थी लेक्चर्स वो मसला नंबर ही हैं मसला नंबर फिफ्टी थ्री ए सी डी ई आप उनको यूट्यूब से डाउनलोड करें उनके जो क्लिप्स हैं वो हमारे यानी ऑफिशियल चैनल पे आप लोडेड हैं आप लिखें शहरी और अफतारी के अकाम अफतारी के टाइम का इख्तिलातकाफ़ का तरीक़ा अच्छा जी इसके अलावा मुसाफिर और, और औरत के रोज़े रोज़ों की क़ा और कफ़ारा और साथ मेरा नाम इंजीनियर मदली मिर्ज़ा लिखें या बोल दें तो वो खुद ब खुद क्लिप खुल जाएँगे हमारे जो भाई मुस्लिम ओनली चैनल चला रहे हैं उनकी मैंने ड्यूटी लगाई है कि वो उन्हीं वीडियोस को नए थम के साथ और हवाले डिस्प्ले करा दें वैसे तो मसला नंबर में जो कि मैं इंटरनेशनल नंबर धीसों के बताए हुए होते हैं बोल के उसी वजह से मसला नंबर लंबे हैं अब तो मैं सिर्फ बोल देता हूँ साइड पर डिस्प्ले हो जाते हैं तो वो मेरा आधे घंटे का क्लिप जो है वो बीस मिनट पर या अठारह मिनट पर आ जाता है ये फ़ायदा होता है ना और दूसरा मुझे वो लिख के जुबानी याद नहीं करने पड़ते सवाए क्रिटिकल नंबर्स के तो उसमें चूँकि वो पैड्स के ऊपर तैयारी करके पूरा एक एक चीज नोट करके तो वो उनको तैयारी करने में भी वो डिस्प्ले कराने में मसला नहीं होगा प्लस वो क्लिप्स जो हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी साइट के ऊपर वो हमारे जो फेसबुक का चैनल है इंजीनियर मंदली मिर्जा उसके ऊपर ना रमज़ान के चढ़ने शुरू हो जाएंगे बल्कि अभी कल एक चढ़ा दिया उन्होंने रुए थे लाल का मसला जो शुरू में फर्स्ट रमज़ान के ऊपर ही मसला शुरू होता है ना कि चाँद निकलेगा नहीं और इसका क्या हल किया जाए हर दफ़ा रो पीट के तो लोग तो पिछली दफ़ा मैंने एक रिकॉर्ड कराया था पाकिस्तान में दो ईदें तो मैंने बुखारी मसलम की हदीस में रुईत हिलाल का जो मसला है वो उसमें क्लियर किया था वो यूट्यूब पर चढ़ गया तो ये आप मसला नंबर देख लें फिफ्टी थ्री ए सी डी ई और मुस्लिम ओनली चैनल पर एक एक दिन के बाद चढ़ेंगे और हमारे ऑफिशियल जो फेसबुक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसके ऊपर वो क्लिप्स चढ़ेंगे आप देखें इन शाला तला तो आपके लिए आसानी हो जाएगी अल्लाह ताली हम सबको ये रमज़ान मुबारक भी एहतराम uh, के साथ और अमाल की पुख्तगी के साथ बल्कि मज़ीद बेहतरी के साथ गुजारने की तोफ़ी कता फ़रमाए सुबह बहमदक अशदबूल्लाताबू अलईक अल्लाह से दुआ जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अभी। सुभाँगा। अभी। अभी। सुभाँगा ला अभी। अभी। अगर जिस बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताली हमारे दिलों से महफ़ कर दें